चलिए आगे। गुड इवनिंग एवरीवन, इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ठीक है, सो ऑडियो ऑडियो इज क्लियर। सो फ्रॉम टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द मैराथन सीरीज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। जैसे हमने एनवायरनमेंट की करी थी, ऑडियो नहीं आ रहा सर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? शेख कुलदीप उज्जवल, ये दिलखुश को ऑडियो नहीं आ रहा है? मेरी तरफ से ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, एक बार वॉल्यूम चेक करना दिलकुश। क्या पता आपने म्यूट कर रखा हो। हाँ, सो फ्रॉम टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द मैराथन सेशन ऑन सॉइल मैकेनिक्स। ये मेरे को मार्च के स्टार्टिंग में चालू कर देना था, बट बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं तो कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद दिस। इनफैक्ट मैंने क्लास भी शेड्यूल कर ली थी इसकी, 8th को, पता नहीं, शायद 8th ऑफ मार्च को शेड्यूल भी थी क्लासेस की। तो इन एनी वेज विल बी स्टार्टिंग विद द सेशन। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो हो गया। सो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं। प्रायर टू दैट वी हैव द बेसिक अनाउंसमेंट्स। पहला अनाउंसमेंट ये बोल रहा है, इट इज़ अ स्पेशल प्राइस वीक इन विच 10% इज बीइंग गिवन ऑफ, मतलब टोटल 30% का एडवांटेज मिल रहा है आपको। 10% वैसे ही ऑफ है, 10% कोर्ट से कम हो जाएगा और 10% अप्रैल के फर्स्ट वीक में हाइक होने वाला है। सो दिस इज द फर्स्ट बेस्ट टाइम टू गो फॉर योर और स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन। नेक्स्ट, हमारे ऐप के ऊपर नोट्स भी आ गए, तो जिनको भी नोट्स का इशू था, नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऐप। डायरेक्टली आप ऐप से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो नोट्स हैं ये पहली स्टेज में आए हैं, इसके भी जो एडवांस्ड वर्जन है नोट्स का, वो भी अपलोड हो जाएगा विद इन 3 to 4 months। तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी चेक्ड। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाइट भी लॉन्च हो गई है। अनअकैडमी लाइट में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्लासेस का है, सबका गया। बफर हो रहा है, आज ही बफर होना था इसको। बफर क्यों हो रहा है, आ तो रहा है नेट, कनेक्टेड भी है, ग्रीन लाइट भी आ रही है। हाँ ठीक है ना, ठीक हो गया। हाँ, सो ऑन गेट एन एसी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एडिशनल फीचर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड लाइक पर्सनलाइज कोच विद 1-to-1 लाइव मेंटरिंग, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल इज देयर, प्रायोरिटी इन आस्क अ डाउट इज देयर, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन इज देयर, स्टडी बूस्टर सेशन इज देयर, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेज यूजिंग रेज द हैंड फीचर, ओपन हाउस विद द एजुकेटर। सो सेवरल एडिशनल फीचर्स आर देयर, प्लस के तो बेनिफिट हैं, आइकॉनिक में और भी एडिशनल बेनिफिट मिल जाते हैं। देन ड्रॉपर्स बैच भी स्टार्ट हो रहा है, बायलिंगुअल बैच है। ये आज से स्टार्ट हुआ था, इसका आज ओरिएंटेशन सेशन था। एक क्लास मैंने ले ली है जिसमें ईएसी के बारे में बताया, दूसरी क्लास कल होगी। सो दूसरी क्लास आपको कल मिल जाएगी 4 बजे से। कल मैं गेट के बारे में बात करूंगा। ये बैच उन लोगों के लिए जिनको अपनी रैंक इंप्रूव करनी है या फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, प्राइस राइज बता दिया, हो गया। नेक्स्ट, रिजल्ट भी देख लिया था आपने, बोथ ईएसी एंड गेट में टॉपर्स हैं। तो जिन लोगों को भी डाउट था कि सर ऑनलाइन से रैंक आती है नहीं आती, एक साल में ही आपके सामने रैंक्स हैं बोथ फॉर गेट एंड ईएसी, तो अब वो बहाना भी नहीं है। तो जो भी मटेरियल मिल रहा है आपको, फुल फ्लैश मटेरियल मिल रहा है, सफिशियंट है कोई सी भी रैंक क्रैक करने के लिए। द मटेरियल इज सेल्फ सफिशियंट टू क्रैक एनी ऑफ द रैंक। चलिए, ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए। प्लस वालों के लिए नोट्स हैं ओनली, प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए।
नोट्स आर फॉर प्लस ऑल्सो, नोट्स आर फॉर आइकॉनिक ऑल्सो, दोनों के लिए। अनअकैडमी लाइट प्लस के सब्सक्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस मेंबर हूँ, टेलीग्राम ग्रुप सेंड कर दीजिए, पुराना लिंक वर्किंग में नहीं है। लो सेंड कर दिया, ज्वाइन कर लो, लिंक सेंड कर दिया, ज्वाइन करो उससे। चलिए, सो विल बी स्टार्टिंग विद दी, जो लोग अभी पढ़ने आए हैं परेशान मत होना, पहली क्लास है आज, तो बताइए पहली क्लास में आपको ये सब चलता रहता है, एक दो दिनों में सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो जो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही होंगे, बाकी जो यूं ही आए हैं टाइम पास करने सारे गायब हो जाएंगे। तो एक एक दिन की बात है, एक दिन बस बेयर कर लो, मैटर ऑफ ओनली वन डे। चलिए, सो विल स्टार्ट विद द डिस्कशन, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सो विल बी स्टार्टिंग विद द सॉइल मैकेनिक्स टुडे। एनवायरनमेंट की करा दी है, एनवायरनमेंट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द सेम पैटर्न, विल बी स्टार्टिंग विद सॉइल मैकेनिक्स। इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सबका मैं करा दूंगा आपको मैराथन। सो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 3-4 मंथ्स आई विल बी कवरिंग द मैराथन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर देयर। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका मैराथन हो जाएगा। कोशिश करूंगा एक महीने में कम से कम दो मैराथन, दो सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो ही जाए। इन वन मंथ एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, सो दैट आई टेक केयर। तो 4 से 5 महीनों में मेरे ख्याल से सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इन 4 to 5 months ऑल विल बी कंप्लीटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज दी कंटेंट, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, बताइए सारा क्या क्या है। बेसिक इंट्रोडक्शन है सॉइल के बारे में, देन वी विल टॉकिंग अबाउट इंडेक्स प्रॉपर्टीज, देन वी विल टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, देन सॉइल स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्शन, कैपिलैरिटी इन सॉइल, स्ट्रेसेस इन सॉइल, परमेबिलिटी, सीपेज, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड कंसोलिडेशन, देन शेयर स्ट्रेंथ, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप। तो ये सारे टॉपिक निकल के आते हैं हमारे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर। फाउंडेशन सेपरेट है, फाउंडेशन इज सेपरेट। चलिए, तो अगर स्टार्ट करें प्रोसेस को, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अगर हमें सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बात करना है, वी शुड नो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज सॉइल, होती क्या सॉइल। तो सॉइल में भी डिफाइंड एज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, अनकंसोलिडेटेड, कंसोलिडेशन आगे डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स को क्लोज कॉन्टेक्ट में लेके आया जाता है बाय द एक्सपल्शन ऑफ द पोर फ्लूइड। फ्लूइड उसमें पानी होता है, हमारे केस में पानी होता है, बाकी इन जनरल लिक्विड होती है। इसको हम हमेशा अनकंसोलिडेटेड बोलेंगे, क्योंकि अगर सॉइल फुल्ली कंसोलिडेट हो जाए, यानी सारा आपने पानी बाहर निकाल दिया, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो रॉक में कन्वर्ट हो जाए। इसका मतलब कभी भी वो पूरी कंसोलिडेट तो नहीं होगी, हमेशा प्रोसेस चलता रहता है कंसोलिडेशन का इनफाइनाइट टाइम तक। तो सॉइल को हमेशा क्या बोलेंगे, ये अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है विच इज कंपोज ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक। तो सॉइल कैसे बनती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से बनती है और हमेशा क्या रहेगी, अनकंसोलिडेटेड रहेगी। The process of formation of the rock is termed as pedogenesis. तो वो process जिससे soil बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं, pedogenesis बोल देते हैं। So the process of formation of the soil from the rock is termed as pedogenesis. Soil का बनना rock से, rock की weathering से, उसको pedogenesis बोला जाता है। ये आपके AJEE exam में काम आ जाता है। So soil is formed due to the weathering of the rocks. अब weathering, weathering का मतलब क्या होता है, erosion. तो weathering बोल दो, erosion बोल दो, wear and tear भी बोल सकते हो। You may also say wear and tear. तो रॉक की वेयर एंड टेयर, रॉक की वेदरिंग, रॉक की इरोजन से क्या बनती है, सॉइल बनती है। नाउ दिस वेदरिंग कैन बी कैरिड आउट, वेदरिंग कैन बी कैरिड आउट बाय टू मोड्स, दो तरीके से वेदरिंग हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है और केमिकली भी हो सकती है। सो देयर आर सेवरल एजेंसीज विच आर इन्वॉल्वड इन फिजिकल वेदरिंग, देयर आर सेवरल एजेंसीज विच आर इन्वॉल्वड इन केमिकल वेदरिंग। तो बहुत सारे एक्शंस लगे होते हैं, कौन कौन से एक्शन है। अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल प्रोसेस मे बी ड्यू टू वॉट, ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ द वॉटर, due to grinding action of the air, due to grinding action of the ice. तो grinding action पानी का भी हो सकता है, हवा का भी हो सकता है और ice का भी हो सकता है, लिखा हुआ है। तो ये physical weathering हो गई, this is termed as physical weathering. Then physical weathering may be due to splitting action of the ice. Splitting action of the ice कहने का मतलब है जब पानी convert होता है ice के अंदर volume बढ़ जाता है, तो rock के अंदर पानी है, convert to ice के अंदर volume बढ़ेगा, crack कर जाएगी soil, crack कर जाएगा rock, उससे जो soil बनी इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रोसेस। ये जो वेदरिंग है ग्रेविटेशनल फोर्स से भी हो सकती है, इट मे बी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो, इट मे बी ड्यू टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट की रूट जब पेनिट्रेट करती है रॉक के अंदर उसकी वेदरिंग होगी, जब एनिमल्स चलते हैं रॉक के ऊपर तब भी उसकी वेदरिंग होगी। तो ये सारे क्या है, फिजिकल प्रोसेस होते हैं। तो कहने का मतलब है वेदरिंग के बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं, इट मे बी ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ द वॉटर, एयर एंड आइस, इट मे बी स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ द आइस, इट मे बी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मे बी ड्यू टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट मे बी ड्यू टू टेम्परेचर चेंज और ह्यूमिडिटी चेंज। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से भी क्या हो सकती है, फिजिकल वेदरिंग हो सकती है।
केमिकल फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कार्बोनेशन है, हाइड्रेशन है और लीचिंग है। लीचिंग बाय ऑर्गेनिक एसिड्स और वाटर। ऑक्सीडेशन का मतलब बता रखा है वो रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, रिडक्शन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाए, कार्बोनेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन हुई कार्बोनेशन, पानी के साथ अगर रिएक्शन हुई तो हम बोल देंगे हाइड्रेशन। एक लीचिंग प्रोसेस बोला, लीचिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड मटीरियल। वो प्रोसेस जिससे हम एक्सट्रैक्ट करें मटेरियल को कहां से, सॉलिड से, इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे लीचिंग। तो ये बेसिक फॉर्म में आपको लीचिंग बताया, डिटेल में भी आगे देखेंगे। एक सॉइल है जो लीचिंग से बनती है, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज फॉर्मड बिकॉज़ ऑफ द लीचिंग प्रोसेस। तो सॉइल की फॉर्मेशन फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल प्रोसेस से भी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हमारी सॉइल बनी फिजिकल वेदरिंग से, इफ द सॉइल इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ फिजिकल वेदरिंग, तो जो रिजल्टिंग सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनका मिनरल कॉम्पोजिशन सेम होता है पेरेंट रॉक के जैसा, क्योंकि फिजिकल वेदरिंग हुई है। पर अगर केमिकल वेदरिंग से सॉइल बनी है तो केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका मतलब जो मिनरल कॉम्पोजिशन होगी हमारे सॉइल की और जो पेरेंट रॉक होगा उसमें डिफरेंस मिलेगा आपको। सो फिजिकल वेदरिंग से पेरेंट रॉक की मिनरल कॉम्पोजिशन, सॉइल की मिनरल कॉम्पोजिशन आपको सेम मिलेगी, पर केमिकल वेदरिंग से दोनों की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस निकल के आ जाता है। सेकेंड, जब रॉक की इरोजन हुई, जो वेदर्ड सॉइल मटीरियल है हो सकता है पेरेंट रॉक के ऊपर रुक जाए, इसको हम बोल देंगे रेसिडुअल सॉइल। ऐसा भी हो सकता है कि रॉक की वेदरिंग के बाद जो मटेरियल बना जिसको आप सॉइल बोल रहे हो, ये ट्रांसपोर्ट होके किसी और जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाए। तो अगर हमारे पेरेंट रॉक के ऊपर वेदर्ड मटेरियल रुक जाता है या वेदर्ड सॉइल रुक जाती है, इसको हम बोल देते हैं रेसिडुअल सॉइल। पर अगर वो नहीं रुकती, कोई ना कोई एजेंसी उसे ट्रांसपोर्ट करके ले जाए किसी दूसरी जगह पे, इसको हम बोल देंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो सॉइल हमारी रेसिडुअल सॉइल भी हो सकती है, सॉइल हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी हो सकती है, तो दोनों सॉइल अवेलेबल है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? जो प्रॉपर्टीज है सॉइल की प्रॉपर्टीज जैसे लिखी हुई है खूब सारी, उसका साइज, उसकी शेप, उसकी साउंडनेस, उसका सरफेस टेक्सचर, उसकी डिग्री ऑफ शॉर्टनेस। डिग्री ऑफ शॉर्टनेस मतलब क्या आप सॉइल के पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। शॉर्टिंग मीन्स टू सेपरेट आउट, टू डिफरेंशिएट। ये डिपेंड कर जाता है मोड और एजेंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैसे वो सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है। और ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसीज तो मैंने खूब सारी बताई दी आपको। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल विल डिपेंड अपॉन द शेप, साइज, साउंडनेस, सरफेस टेक्सचर, डिग्री ऑफ शॉर्टनेस, विल डिपेंड अपॉन व्हाट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन सी एजेंसी से वो ट्रांसपोर्ट होकर आगे गई है। इसको समझने के लिए डायरेक्टली आपको जानकारी दे रखी है, पूरी टेबल ही दे रखी है, यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वाटर हो सकती है, एयर हो सकती है, आइस हो सकती है, ग्रेविटी हो सकती है और ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे हम भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो अब चेक करते हैं, लेट सपोज अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन हुई पानी से, तो साइज में क्या मिलेगा आपको? रिडक्शन मिलेगा, यू विल फाइंड द रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज। शेप और साउंडनेस कैसी मिलेगी? राउंडेड पार्टिकल मिलेंगे आपको, यू विल फाइंड राउंडेड पार्टिकल्स, सैंड भी हो सकता है, ग्रेवल भी हो सकता है। सरफेस टेक्सचर स्मूथ मिलेगी, शाइनिंग होगा, पॉलिश्ड स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अगर वाटर से ट्रांसपोर्टेशन होती है, साइज रिड्यूस हो जाती है, राउंडेड पार्टिकल मिलते हैं, टेक्सचर स्मूथ या पॉलिश्ड होता है, और पार्टिकल सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं। सॉर्ट आउट मतलब ऑब्वियसली बात है, पानी के फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव करें तो बड़ा पार्टिकल आपको कम मूव किया हुआ मिलेगा, छोटा पार्टिकल ज्यादा मूव किया हुआ मिलेगा, तो सॉर्टिंग भी मिल जाती है। तो सॉर्टिंग इज ऑल्सो बीइंग ऑब्जर्व। तो कंसिडरेबल सॉर्टिंग होती है किसकी वजह से? वाटर की वजह से। नेक्स्ट, अगर एयर ने ट्रांसपोर्ट किया, अगेन रिडक्शन होती है साइज के अंदर, हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग मिलेगी आपको। यहां पर भी पार्टिकल कैसे हो जाते हैं? अगर एयर की वजह से हुई, यहां पर भी पार्टिकल कैसे हो जाते हैं? पीछे स्मूथ हो रहे थे, यहां पर होता है जो हवा का इंपैक्ट होता है इससे फ्रॉस्टेड सरफेस बनती है। तो आपको जो सॉइल का सरफेस मिलेगा वो फ्रॉस्टेड मिलेगा। अब फ्रॉस्टेड सरफेस क्या होता है पता है? पूछोगे आप, सर ये फ्रॉस्टेड सरफेस क्या होती है? तो फ्रॉस्टेड सरफेस क्या होती है उसके लिए पिक्चर है आपके सामने। तो दिस इज टर्म्ड एज फ्रॉस्टेड सरफेस। जैसे एग्जाम्पल, ठंड में आपके शीशे के ऊपर ओस जम जाती है, उसको फ्रॉस्टेड सरफेस बोला जाता है। तो आपके व्हीकल्स होंगे, गाड़ी होगी, टू व्हीलर होगा, फोर व्हीलर होगा, तो आपने विंटर्स के अंदर फॉग डिपॉजिट होते हुए देखी होगी अपने ग्लास सरफेस के ऊपर, तो उसको फ्रॉस्टेड सरफेस बोला जाता है। तो अगर एयर इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो सरफेस टेक्सचर कैसा होता है? फ्रॉस्टेड होता है। यहाँ पर भी कंसिडरेबल सॉर्टिंग मिलेगी आपको। अगर आइस है तो यहाँ पे कंसिडरेबल ग्राइंडिंग एक्शन होता है। तो अगर आइस इज द ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, इन दैट केस द ग्राइंडिंग टेक्स प्लेस। वाटर के अंदर राउंडेड पार्टिकल मिल रहे थे, यहाँ पे कैसे मिलते हैं? एंगुलर पार्टिकल मिलते हैं। सो हियर एंगुलर पार्टिकल्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर जो सरफेस टेक्सचर होता है वो स्टाइरेटेड होता है। कहने का मतलब उसमें आपको लेयर्स मिलेंगे बीच में, यू विल फाइंड द लेयर्स इन बिटवीन। अब फिर से बोलोगे सर स्टाइरेटेड क्या होता है?
तो स्टाइलेटेड तभी समझ में आता है जब इसको देख लेंगे। देख लो भैया, ये स्टाइलेटेड सरफेस होती है। सो यू कैन सी बीच में लेयर्स दिख रही हैं आपको। सो यू कैन सी द लेयर्स इन बिटवीन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, परफेक्ट एग्जांपल है इसका, कि स्टाइलेटेड सरफेस बीच में लेयर्स कैसे बन जाती हैं। इसको समझने के लिए आपने कभी ना कभी गाड़ी के ऊपर चाबी चलाई होगी। यू मस्ट हैव डन दिस। कभी ना कभी तो ये प्रोसेस क्या होगा, किसी की गाड़ी के ऊपर चाबी लेके चला दिया होगा, तो जो इंडेंटेशन मार्क बन जाता है उसको स्टाइलेटेड सरफेस बोला जाता है। तो सेम वही चीज़ है, एग्जैक्टली सेम थिंग, तो उसको स्टाइलेटेड सरफेस बोला जाता है। तो अगर आइस इज द मोड ऑफ एजेंट ट्रांसपोर्टेशन, देन द स्टाइलेटेड सरफेस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? अब क्योंकि आइस से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, सॉर्टिंग बहुत कम होती है। द इम्पैक्ट ओवर द सॉर्टिंग कम्स आउट टू बी वेरी लेस। ग्रेविटी से करोगे तो सॉर्टिंग बिल्कुल ही नहीं होती। ग्रेविटी से भी स्टाइलेटेड सर्फेस मिल जाता है हमें, एंगुलर सर्फेस भी मिलती है, स्फेरिकल पार्टिकल भी मिल जाते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, बट इफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड, सॉर्टिंग इज वेरी लिमिटेड और अब्रेशन या वेयर एंड टेयर बहुत कम होता है। अब्रेशन एंड वेयर एंड टेयर इज वेरी लेस। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई? तो ये हमारे सॉइल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड कर गई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे। हाँ चल भी कंटिन्यू। चलो अच्छा, ये तो बता ही दिया था आपको मैंने, फ्रॉस्टेड सरफेस, स्टाइलेटेड सरफेस। नाउ अगर सम अप करें पूरी चीज को, इफ आई सम अप द एंटायर एनालिसिस, द जनरल साइकिल विच इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज दिस। जो जनरल साइकिल है किसके अंदर, सॉइल की फॉर्मेशन के अंदर, वो ये है। क्या होती है जनरल साइकिल के अंदर? सॉइल की वेदरिंग होती है, इरोजन हुई, वेयर एंड टेयर हुआ, फिर क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन कोई भी एजेंसी के थ्रू हो सकती है, सारी एजेंसीज बता रही थी अभी आपको, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एनी ऑफ द एजेंसीज। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन के बाद दोबारा क्या करती है, मूवमेंट होती है। मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं, अपीवल बोल देते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज अपीवल। अपीवल के बाद सॉइल दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दोबारा रॉक की वेदरिंग हुई, सॉइल बन जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन से अपीवल हो जाती है। क्लियर है? ग्रेविटी में सॉर्टिंग नहीं मिलेगी बेटा, सबके ऊपर सेम ग्रेविटी लगेगी। ग्रेविटी एक्शन तो सारे पार्टिकल्स के ऊपर सेम ही रहेगा, तो सॉर्टिंग इज वेरी लेस। इनफैक्ट सॉर्टिंग होती नहीं है। जी फॉर ऑल दी टाइप ऑफ पार्टिकल इज सेम, तो फिर सॉर्टिंग कैसे होगी? तो ग्रेविटी इज द ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। मतलब अब अगर आपने ये सवाल पूछा, आपके सवाल का जवाब देने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल पूछता हूं मैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक बड़े साइज का पार्टिकल है, एक छोटे साइज का पार्टिकल है। क्लियर है? दोनों को मैंने सेम हाइट से जमीन पे छोड़ा, दोनों को मैंने सेम हाइट से जमीन पे छोड़ दिया। कौन जल्दी पहुंचेगा? छोटा वाला जल्दी पहुंचेगा। ये देखो सुधीर प्रजापति, अरे भाई ये तो गजब है, छोटा वाला जल्दी पहुंच जाएगा। बड़ा वाला बोलता है तो तब भी समझ में आता है, ये बोला छोटा वाला जल्दी पहुंच जाएगा। भाई जी दोनों के ऊपर सेम है, जी दोनों के ऊपर सेम है, तो टेक्निकली दोनों सेम टाइम पे नीचे पहुंचेंगे, प्रोवाइडेड एयर का फ्रिक्शन नहीं हो। प्रोवाइडेड एयर का फ्रिक्शन नहीं हो, और एयर का फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो अगर एयर का फ्रिक्शन नहीं है तो मैं टेक्निकली तो क्या बोलूंगा, वैक्यूम में आपने रिलीज किया। अगर दोनों को वैक्यूम में रिलीज करोगे, दोनों एक टाइम पे पहुंचेंगे, जैसे एग्जाम्पल एक स्टील की बॉल और एक पंख। ये एक्सपेरिमेंट तो मेरे ख्याल से सबने देखा होगा, एक स्टील की बॉल उठाना और एक कबूतर का पंख उठाना और दोनों को वैक्यूम में रिलीज करना, दोनों एक टाइम पे पहुंचेंगे जमीन पे, क्योंकि दोनों के ऊपर ग्रेविटी सेम लग रही है। अब प्रैक्टिकली बात करें, ये तो हमारी आइडियल कंडीशन थी। रियल कंडीशन में, रियल कंडीशन में
एयर का फ्रिक्शन भी होता है, जिसकी वजह से दोनों में वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस निकल के आ जाता है। वो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है, पर अगर एयर प्रेजेंट नहीं हो, आपको दोनों एक साथ मिलते हुए नीचे पहुंचते हुए दिखेंगे। तो ग्रेविटी का तो कोई रोल ही नहीं है, और हमारे केस में तो वैसे ही नहीं है। ये तो मैंने आपको फ्रीली रिलीज करके दिखाया। प्रैक्टिकली तो क्या हो रहा है, ये रॉक है, रॉक की वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं। तो रॉक है, वेदरिंग हुई, पार्टिकल नीचे आ रहे हैं, एयर का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। देयर इज नो रोल ऑफ द एयर फ्रिक्शन, कोई सॉर्टिंग नहीं होगी, नो सॉर्टिंग विल टेक प्लेस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सॉइल कैसे बनती है उसकी जानकारी आपको दे दी है। नेक्स्ट, अलग अलग टाइप की सॉइल पता होनी चाहिए आपको। यू शुड नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सॉइल। खूब तरह की सॉइल है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन इसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है। पहला, अगर रनिंग वाटर ट्रांसपोर्ट करा रहा है, वील से एल्यूवियल सॉइल। सो इट्स द टाइप ऑफ सॉइल व्हिच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, जैसे एग्जांपल रिवर वाटर। तो अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर, जैसे हमारा पूरा नदरन प्लेन जो है, नदरन इंडिया है, उनमें आपको एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। क्यों? खूब सारी नदियां हमारे पास। कहाँ से आ रही है? ऊपर पहाड़ों से बहती हुई आ रही है। वो बहने की वजह से वेदरिंग हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन भी चलती जा रही है। इस सॉइल को हम क्या बोल देते हैं? एल्यूवियल सॉइल। हाली फर्टाइल होती है, बहुत ही फर्टाइल होती है। ट्रांसपोर्टेड है, किसने ट्रांसपोर्ट किया? पानी ने ट्रांसपोर्ट किया। कैसे वेदरिंग हुई? फिजिकल वेदरिंग हुई। तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। लाइक ए स्ट्रीम सॉइल, इट इज द सॉइल व्हिच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम द सस्पेंशन फ्रॉम फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ द लेक। इस बार पानी रुका हुआ है, पानी चल नहीं रहा, तो पार्टिकल क्या कर जाते हैं? अपने वेट की वजह से सेटल कर जाते हैं। वो पार्टिकल सेटल बिकॉज ऑफ द वेट। तो लेक के बॉटम पे जो आपको सॉइल मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? लाइक ए स्ट्रीम सॉइल बोल देंगे। इस सॉइल को मैं अभी आगे भी यूज करूंगा। कब? इसकी जानकारी देता हूँ जब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल बताऊंगा, वहां पर भी ये आएगी। व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, उसको भी डिस्कस करेंगे। लाइक ए स्ट्रीम सॉइल और मरीन सॉइल, दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। मरीन सॉइल नाम में लिखा हुआ है, इट्स द सॉइल व्हिच इज डिपॉजिटेड फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर से जो सेटल होके सॉइल बने उसे हम क्या बोल देते हैं? मरीन सॉइल बोल देते हैं। क्लियर पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चले आगे। व्हाट इज ड्यून? ट्रांसपोर्टेड हवा। अभी रुको ना, अभी आगे करते हैं ना यार, आगे क्यों भागते हो? आकाश चोपड़ा ने आपका नाम लिया भाई, तुम पढ़ लो। तुम यहां पढ़ रहे हो जो आकाश चोपड़ा को देख रहे हो? गजब हो यार। मतलब यहां पढ़ा रहा हूं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आईपीएल के गेस्ट बोर्ड में देखा वो तुम्हें एक्साइटिंग लग रहा है। हद है, मतलब पूरा फ्लो बिगाड़ देते हैं। चलो नोट्स बनाना है भाई, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। जैसी आपकी श्रद्धा, बनाओगे तब भी अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तब भी अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट इज एओलियन सॉइल, जिसको हम ड्यून्स भी बोल देते हैं, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज ड्यून्स। आगे पूछे पूछ रहा था ड्यून्स क्या होता है। चलिए, सुड जी सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लोइंग विंड। पीछे कौन था ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी? पानी। अब कौन है? ब्लोइंग विंड। तो ड्यून्स है, जैसे हमारा राजस्थान एरिया है, वहां पे आपको एलियन सॉइल सैंड ड्यून्स मिलेंगी। क्लियर है? सर लेक में सॉइल का पार्टिकल आता कहाँ से? वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये लो भाई, लेक में पार्टिकल कहाँ से आता है? इसको लेक में पार्टिकल दिखाऊं? लेक में पार्टिकल ये लो भैया, लेक का पार्टिकल देख लो, ये मेरा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस नीली नहीं होती, ये बोलेंगे सर नीली अर्थ कहाँ से आ गई? सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारा रॉक है, दिस इज रॉक और माउंटेन। क्लियर है चीज? ये लेक बनी हुई है,
दिस इज द लेक व्हिच इज बीइंग फॉर्मड. स्टैग्नेंट वाटर है तो स्टैग्नेंट वाटर है. कहाँ है पार्टिकल? ये है पीले कलर के पार्टिकल है हमारे. कहाँ से आए हैं? ऊपर से ही आए हैं ट्रांसपोर्ट होके पानी में. अब डिपोजिशन हुए पानी के अंदर तो लेक के बॉटम पे जो सॉइल मिलेगी उसको लेकर स्ट्रीम सॉइल बोला जाएगा. वॉट इज टेलस? इट इज टेलस इज टिटास विद रॉन्ग रॉन्ग स्पेलिंग. टेलस टिटास ही है गलत स्पेलिंग के साथ बस. ये देखो इसको दूसरे नीरज को कितनी चुल है. फॉर्म स्टार्ट कर दो मतलब सॉइल का भी दो पन्ने पढ़ाए नहीं है. फॉर्म स्टार्ट कर दो प्लीज. कोर्स कंप्लीट करोगे ना यूट्यूब पर? पिछली बार आरसीसी का हाफ पार्ट यूट्यूब पे हाफ पार्ट अनअकैडमी में. भाई कोर्स तो पूरा ही है ना, फ्री प्लेटफॉर्म ही तो है भाई. प्लेटफॉर्म तो फ्री है ना. देखो फंडा समझो. देखो क्या है, पहले ही बताया था अनअकैडमी कोई धर्मशाला है नहीं, ना मैं कोई बाबा हूँ. ठीक है देखो फंडा क्या होता है. हम यहाँ पे आधा कंटेंट पढ़ाएंगे, फिर आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, फिर पढ़ने में अच्छा लगेगा, फिर आधा कंटेंट में पढ़ाऊंगा आपको स्पेशल क्लास में, ताकि आप यहाँ से उठ के हमारे प्लेटफॉर्म पे हो. फिर स्पेशल क्लास में आपको कंटेंट और अच्छा लगेगा, आदत बढ़ जाएगी अनअकैडमी की, फिर आप प्लस पे आओगे. तो ये बेसिक फ्लो चार्ट होता है हमारा पूरा, ये बेसिक फंडा है पूरा. तो हम कोई यहाँ पे धार्मिक काम नहीं कर रहे, कोई सोशल सर्विस नहीं चल रही. हाँ क्लियर, आप समझ में आ गया? अब आज के बाद कभी मत पूछना. तो इसलिए आधा कंटेंट यहाँ पढ़ाया जाता है, आधा कंटेंट वहां पढ़ाया जाता है. चलो आगे. और तुम भी कोई बाबा बनने के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो. तुम्हें भी थोड़ी ना बाबा बनना है जो पढ़ रहे हो. तुम्हें भी आगे जाके क्या करना है? तुम्हें तो आगे जाके तुम तो ऐसे कामों के लिए पढ़ रहे हो जो मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे. चलो आगे बढ़ते हैं. तो तुम्हें पढ़ने से मतलब है, तुम्हें कंटेंट पूरा मिल गया ना, आधा यहां से पढ़ लो आधा वहां से पढ़ लो, उसमें भी दिक्कत है कि सर आधा आपने आरसीसी यहां पढ़ाया था आधा वहां पढ़ाया था. अरे पढ़ा तो पूरा ही दिया था. चलो आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज ग्लेशियल सॉइल. ग्लेशियल सॉइल इट इज ए टाइप ऑफ सॉइल विच इज बींग ट्रांसपोर्टेड बाई दी आइस. तो पीछे पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा था, पानी ट्रांसपोर्ट कर रहा था. मरीन सॉइल थी हमारे पास, फिर लेकेस्ट्रीन सॉइल थी हमारे पास, फिर एल्यूवियल सॉइल थी. हवा ट्रांसपोर्ट कर रही थी एओलियन सॉइल और सैंड ड्यून्स हमारा. आइस ट्रांसपोर्ट करेगी उसे ग्लेशियल सॉइल बोल देंगे. टेक्निकली टर्म्ड एज ग्लेशियल सॉइल. नेक्स्ट इज कॉल्यूवियल सॉइल और टेलस सॉइल. तो पीछे वो बोल रहा था टीटस, क्या नाम था उसका, उसको चोल मच रही थी ना टीटस को टेलस के बारे में जानने की. हेलो भाई आ गई है तुम्हारी टेलस सॉइल. चलो तो कॉल्यूवियल सॉइल और टेलस सॉइल इज द टाइप ऑफ सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन बाय ग्रेविटी. क्लियर है? अगर ग्रेविटी इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इट विल बी टर्म्ड एज कॉल्यूवियल सॉइल और टेलस सॉइल. जनरली पहाड़ों में मिलेगी आपको ये, क्योंकि वहीं पे ग्रेविटी एक्शन रोल प्ले करता है. देयर ओनली द ग्रेविटी एक्शन प्लेज द रोल. क्लियर है? चलें आगे. चलो नेक्स्ट इज लूज सॉइल. अब लूज सॉइल क्या होती है? इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट. तो फिर से ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी क्या है? द ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी इज एयर और विंड, कुछ भी बोल सकते हो. इट इज स्लाइटली सीमेंटेड बाय द कैल्शियम कंपाउंड्स. कैल्शियम कंपाउंड्स के पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है. जैसे एग्जाम्पल दू कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो वो चिपचिपा होता है तो विंड ब्लोन सिल्ट, पर थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट भी मिला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी मिली हुई है, कैल्शियम कंपाउंड मिले हुए हैं या मिनरल्स मिले हुए हैं जैसे मॉन्टमोरिनोलाइट. क्लियर है? इसको कोलैप्सिबल सॉइल भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल. कोलैप्सिबल सॉइल क्या होती है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे. दैट ऑल्सो विल डिस्कस व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज कोलैप्सिबल सॉइल. कोलैप्सिबल सॉइल वो सॉइल है जिसके ऊपर अगर आप लोड लगाओ, लोड को बढ़ाओ मत, तभी भी क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी. मतलब वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा.
व्हाट इज लोम, देखो टिटास फिर आया है, लोम इज ऑल्सो टिटास विद रॉन्ग स्पेलिंग, अभी तो बताया तुम्हें मैंने पीछे, जैसे टेलस वॉज टिटास ओनली विद रॉन्ग स्पेलिंग, लोम इज ऑल्सो टिटास विद रॉन्ग लॉन्ग स्पेलिंग, स्पेलिंग गलत देख दी है तो टिटास ही। चले आगे, हाँ सर ये सब गेट में नहीं आता, पता नहीं मैं इतने सालों से कभी पता ही नहीं कर पाया गेट में क्या आता है क्या नहीं आता, मतलब मेरे को 10-11 साल हो गए पढ़ाते हुए, 3-4 साल हो गए पढ़ते हुए, उससे पहले पढ़ा भी था 3-4 साल, इतने सालों में मैं कभी पता नहीं लगा पाया गेट में क्या आता है क्या नहीं आता। आपको शायद 1 साल 2 साल पढ़ते हुए पता चल गया होगा गेट में क्या आता क्या नहीं आता, मतलब 13 सालों की मेरी जो इतनी नॉलेज है उससे मेरे को पता नहीं चला गेट में क्या पूछता जाता क्या नहीं पूछता। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑफ दी सॉइल टू बी रेफर्ड, नेक्स्ट ऑफ दी सॉइल इज टर्म्ड एज माल सॉइल। अब क्या है माल सॉइल, एज द नेम सजेस्ट मरीन ओरिजिन की है, इट इज फाइनली ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल, फिर से कैल्शियम आ गया, इसका मतलब क्या है इसमें भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, पर ये बनती कैसे है, ये बनती है बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं पानी के अंदर ही, कौन से सी वाटर के अंदर, उनकी डीकम्पोजिशन के बाद जो सॉइल बनती है उसे हम क्या बोल देते हैं माल सॉइल बोल देते हैं, क्लियर है, रीड करना है इसमें कुछ भी। चले हाँ व्हाई लूज सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, लूज सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, डिग्री ऑफ वेदरिंग इज सेम, जो वेदरिंग की डिग्री है वो सेम निकल के आ जाती है, इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास सॉइल के पार्टिकल हैं बंडल है, और इसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, मैं शायद बना नहीं पाया, अब आपको दिख जाएंगे अलग अलग साइज के पार्टिकल, विंड ब्लो करी, अभी पीछे बताया था सॉर्टिंग, पीछे डिस्कस किया था ना हमने सॉर्टिंग, तो एयर ब्लो करी, जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल हैं वो एक ही जगह पे रुक जाएंगे पहले ही, क्योंकि तो हवा उनको आगे नहीं लेके जा पाएगी, छोटे साइज के पार्टिकल और आगे चले जाएंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे एक ही जगह पे, और छोटे साइज के पार्टिकल और आगे चले जाएंगे वो भी कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे एक ही जगह पे, इन सबको क्या बोला जाता है, एक साइज के पार्टिकल हैं इनको यूनिफॉर्म सॉइल बोला जाता है, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, जिसमें सारे पार्टिकल क्या हो सेम साइज के, बेंटोनाइट रिपीट सर बेंटोनाइट, वैसे बेंटोनाइट मैंने अभी तक बोला भी नहीं था पर आप बोल रहे हो बेंटोनाइट को रिपीट कर दूं तो बेंटोनाइट, क्लियर है। और कुछ पूछना पूछ लो, रेलवे के लेक्चर्स मिसिंग हैं क्या आफ्टर 2022, मतलब साहस चाहिए ये सवाल पूछने के लिए मुझसे कि आपके लेक्चर मिसिंग है, बहुत ही साहसी लड़के हो तुम विकास, पर तुमने एक साहस नहीं किया आगे वाला लेक्चर देखने का, अगर थोड़ा सा तुम साहस दिखाते आगे वाले चैप्टर देखने का आगे वाले लेक्चर देखने का तो ये सवाल नहीं पूछते तुम, पुअरली ग्रेडेड भी यही होता है, नहीं पुअरली ग्रेडेड ये नहीं होता, पुअरली ग्रेडेड वो सॉइल होती है जिसमें एक्सेस हो एक साइज के पार्टिकल की, डेफिशिएंसी हो किसी दूसरे साइज के पार्टिकल की, इसको बोला जाता है पुअरली ग्रेडेड सॉइल, तो कृपया करके शांति बना के रखो, तो मैं जल्दी उस टॉपिक पे पहुंच जाऊंगा जिसमें मैं आपको पुअरली ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में डिफरेंस बता दूंगा, आई विल डिस्कस अबाउट दैट, ग्लेशियस टिल और ग्लेशियस ड्रिफ्ट एक ही सॉइल होती है, कोई फर्क फर्क नहीं होता, टिल इज अ पार्ट ऑफ द ग्लेशियस ड्रिफ्ट विच इज डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय द ग्लेशियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्लेशियल टिल और ग्लेशियल ड्रिफ्ट इनमें कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी अगर डिफरेंस पूछ रहे हो आप तो टिल इज अ पार्ट ऑफ ड्रिफ्ट, टिल
पार्ट होता है किसका? ग्लेशियल सॉइल का, ग्लेशियल ड्रिफ्ट का ही, जो डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाती है किससे? ग्लेशियर से। क्लियर है पूरी कहानी? तो ड्रिफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है, पर अगर वो ट्रांसपोर्ट हुई सिर्फ आइस से ही तो मैं उसे टिल बोल दूंगा। तो टिल भी ग्लेशियल सॉइल है, ड्रिफ्ट भी ग्लेशियल सॉइल है, बोथ आर ग्लेशियल सॉइल, पर टिल ड्रिफ्ट का ही सब कॉम्पोनेंट है। क्लियर है? नहीं, फाइन ग्रेडेड नहीं है, फाइनली ग्रेडेड नहीं है, इट इज नॉट फाइनली ग्रेडेड। जो डायरेक्टली डिपॉजिट हो गई ग्लेशियर से उसको हम टिल बोल देते हैं। विच इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड फ्रॉम द ग्लेशियर विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज टिल। साइज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, आई एम नॉट कमेंटेड अपॉन द साइज। सर आई एम सो इन आईपीएल लाइव, सर आई एम सो इन आईपीएल लाइव, नाउ सी मी लाइव हेयर एंड कॉन्सेंट्रेट वॉट आई एम टीचिंग। सर आप सॉइल वापस क्यों पढ़ा रहे हो? वो प्रभु मैराथन है। अरे यार, क्या गलत लाइन में आ गया मैं भी यार। चलो आगे। टफ सॉइल क्या होती है? टफ सॉइल इट इज फाइन ग्रेन्ड सॉइल कंपोज ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स इजेक्टेड फ्रॉम द वॉल्केनो ड्यूरिंग इट एक्सप्लोजन विच इज डिपॉजिटेड बाय द विंड और वाटर। तो टफ सॉइल वो सॉइल होती है जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बनती है। इसके जो पार्टिकल साइज होता है वो कंपेरेटिवली बहुत ही छोटा होता है। द पार्टिकल साइज इज कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल। ये देखो, ये दूसरा मजा आ रहा है, मजे लेने आए हैं यहाँ पे। सो टफ सॉइल इज द सॉइल विच इज बीइंग फॉर्मड आफ्टर द वॉल्केनिक इरप्शन। पार्टिकल साइज इज कंपेरेटिवली वेरी स्मॉल। मोर ओवर टफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी विंड और वाटर कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज वॉट? बेंटोनॉइड सॉइल। ये भी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद ही बनती है। फर्क है दोनों में, टफ सॉइल और बेंटोनॉइड सॉइल में। टफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, बेंटोनॉइड सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल। ये इसे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है। तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद, वॉल्केनिक इरप्शन वही सेम रॉक ही है, तो रॉक बना उसकी वेदरिंग से जो सॉइल बनी, पर वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद सॉइल वहीं की वहीं पड़ी रह गई, ट्रांसपोर्ट नहीं हुई, इसको हम बेंटोनाइट सॉइल बोल देते हैं। इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है, इसमें एक्सेस ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं विच इज मॉन्ट मोरिनोलाइट। इसको जनरली हम यूज कर लेते हैं लुब्रिकेशन पर्पज के लिए, करेंगे आखिरी वाले चैप्टर में, जब बिल्कुल फाउंडेशन के लास्ट में चले जाएंगे देयर विल टॉक अबाउट दिस। इसको ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं, जब ड्रिल को सॉइल के अंदर डालते हैं तो फ्रिक्शन होता है सॉइल और ड्रिल के बीच में, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? बेंटोनाइट सॉइल की स्लरी यूज करते हैं, देयर स्लरी इज बीइंग यूज्ड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्केनोस क्या होते हैं? ज्वालामुखी। ये वापस आ गया टिटस। बसाल्ट से कौन सी सॉइल मिलती है? भाई अभी आगे करा रहा हूं ना, तुम्हें क्या क्या चुल है तुम्हें? शांति से बैठ जाओ ना, अभी करा रहा हूं ना आगे, और पेज खुला भी हुआ है, जानबूझ के कर रहा है। मतलब आज घर से तुम दृढ़ निश्चय करके आए हो कि नहीं, आज तो मुझे क्लास में सबका एंटरटेनमेंट करना ही करना है। बाकी मैं बोलना चाहता था जो, वो तुम समझ गए होगे, बोल नहीं सकता मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आपके मजे ले रहा है, ऐसा कोई है क्या? पैदा भी हुआ है क्या कोई? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ये रही आ गई। टिटस घोष देख लो भाई, ये होती है जो सॉइल जो बेसाल्ट से बनती है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल इज रेसिडुअल सॉइल। ये भी रेसिडुअल सॉइल होती है विच इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द बेसाल्ट। इट ऑल्सो हैज एक्सेस ऑफ मॉन्ट मोरिनोलाइट। इसमें भी एक्सेस ऑफ मॉन्ट मोरिनोलाइट होता है, और मॉन्ट मोरिनोलाइट की प्रॉपर्टी आगे देखेंगे। इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। पानी जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है, पानी निकलता है यानी ड्राई होती है सॉइल, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। क्लियर है?
इसी बात का लोगों को जलन है सर। कोई बात नहीं, बताया तो था तुम, अभी कल परसों ही तो मैंने बताया तुम्हें कि तुम अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़काओ, जलने के लिए लोग हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, लेटराइट सॉइल। अभी पीछे हमने लीचेन की बात करी थी, वी हैव टॉक्ड अबाउट लीचेन, सेम वही लेटराइट सॉइल है। सो इट्स द टाइप ऑफ द सॉइल व्हिच इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या बताया था पीछे? लीचिंग का बताया था बिकॉज ऑफ द वेदरिंग। तो वेदरिंग हुई थी किसकी? किसी मटीरियल की। किसकी वजह से? एक्वस सॉल्यूशन की वजह से। तो इस बार वेदरिंग हुई है किसकी? सिलिशियस कंपाउंड की। सो इट्स द टाइप ऑफ द सॉइल व्हिच इज फॉर्मड बिकॉज ऑफ लीचिंग। लीचिंग मींस वॉशिंग आउट ऑफ सिलिका कंपाउंड्स एंड डिपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जनरली हिली एरियाज में मिलती है जहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एम्बियंट होते हैं लीचिंग के लिए। द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर एम्बियंट फॉर द लीचिंग पर्पस। क्लियर है? चलो चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मक सॉइल। मक सॉइल क्या होती है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल इन ऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो ये मिक्सचर होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल का, मतलब ऑर्गेनिक सॉइल में कुछ इनऑर्गेनिक सॉइल भी मिली हुई होती है। तो अगर कोई पूछेगा मक सॉइल कैसी सॉइल है, मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक ही है, पर इसमें फाइन इनऑर्गेनिक पार्टिकल भी मिले हुए होते हैं। अब कैसे बनती है, इसका प्रोसेस बता देता हूँ। जनरली पाई जाती है मार्शी एरिया में, जनरली पाई जाती है रिवर के दोनों तरफ। कैसे? रिवर वाटर ओवरफ्लो कर गया, रिवर में आपको मिलेंगे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। रिवर के दोनों तरफ क्रॉप्स, उनकी डिकम्पोजिशन से सॉइल ऑर्गेनिक हो जाती है। उसमें आके जब रिवर ओवरफ्लो हुई तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल मिल गया। तो स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया में या रिवर के ओवरफ्लोइंग के बाद दोनों तरफ जो सॉइल मिलती है वो मक सॉइल कहलाती है। क्लियर है? वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से मिल जाएगी, बिल्कुल सही बात है सर। ईएससी का रिजल्ट आ गया मेरा, प्रिया क्लियर हो गया। थैंक यू सर, आपके लेक्चर से प्री में हेल्प मिली। चलो बहुत बढ़िया, आप दूसरों को पढ़ने दो। चलो पीट सॉइल। पीट सॉइल इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल कैसे बनती है? विच इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेटिव मैटर। तो प्लांट्स की डिकम्पोजिशन हुई, ट्री की डिकम्पोजिशन हुई, और डिकम्पोजिशन अलग अलग स्टेज में हो रहा है। तो इसमें आपको अलग अलग स्टेज के डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे, इसको पीट सॉइल बोला जाता है। तो आपको इसमें कलर वेरिएशन मिलेगा, ब्लैक कलर की भी होगी, डार्क ब्राउन कलर भी होगा, लाइट ब्राउन कलर भी होगा। तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन होती है इसके अंदर। क्लियर है? पीट सॉइल मक सॉइल के मिक्सचर को क्या बोल देते हैं? क्यूमुलो सॉइल। सो मिक्सचर ऑफ दीज टू इज टेक्निकली टर्म्ड एज क्यूमुलो सॉइल। तो पूछता है क्या होता है क्यूमुलो सॉइल? तो पीछे कॉलुवियल सॉइल, टेलस सॉइल, ये क्यूमुलो सॉइल यहाँ पे। क्लियर पूरी कहानी? अच्छा सर, जो टाइप ले आए, हैंड रिटन वाला समझ नहीं आता था। हाँ तो देखो, बस तुम्हारे लिए तो लाया हूँ बिल्कुल मैं, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब तो दिक्कत नहीं है ना, अब बैठ के समझो पूरा। चलो नेक्स्ट इज लोम सॉइल। लोम सॉइल मिक्सचर होती है क्ले, सिल्ट और सैंड का। ये आगे क्लासिफिकेशन में बताऊंगा, दिस आई डिस्कस इन क्लासिफिकेशन। वो कहाँ गया? टिटस। आगे का पूछ लो, गंबो सॉइल पूछ लो। टिटस, मैं लोम सॉइल करा रहा हूँ, तुम गंबो सॉइल के बारे में पूछ लो कुछ, वो उसके बाद आने वाली है। सो लोम इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, और वो डेफिनेट प्रोपोर्शन आपको क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बताई जाएगी। नेक्स्ट इज गंबो सॉइल। गंबो सॉइल भी क्या होती है? इट इज ऑल्सो ब्लैक कलर्ड सॉइल। ये भी ब्लैक कलर्ड सॉइल होती है विच इज हाईली प्लास्टिक इन नेचर। कैसे बनती है? इट कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द फिजिकल एक्शन और बाय केमिकल एक्शन, दोनों में से किसी भी एक्शन से बन सकती है। सर सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स का कोर्स ले सकते हैं? बिल्कुल, कोई मना नहीं करेगा आपको। आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, सॉइल का भी कर सकते हो, एनवायरमेंट का भी कर सकते हो, पर सब्सक्रिप्शन पूरा लेना पड़ेगा। कर कोई सा भी कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ मत करो, सब्सक्रिप्शन पूरा लेना पड़ेगा, फिर आप कुछ मत करो, तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एक ही कोर्स करो, तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो पूरी आजादी है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हर बात पे हंसने लग जाते हैं मेरी, मतलब तो कुछ भी बोलो बस हंसने लग जाते हैं। लो सवाल करो।
लेगस्ट्रीन सॉइल्स आर दी सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द रिवर एंड स्ट्रीम, ये इसी का सवाल है। ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, डिपॉजिटेड इन सी बेड, डिपॉजिटेड इन लेक बेड। अभी पीछे करके आए हैं, लेगस्ट्रीन सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन लेक वाटर। चलो तो सवाल आते हैं हर चीज में, इसमें ही सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू द एओलियन सॉइल। कौन सी होती है एओलियन सॉइल? अभी करके आए पीछे एओलियन सॉइल, एओलियन सॉइल विच इज बिंग ट्रांसपोर्टेड बाय वॉट? ब्लोइंग विंड। ब्लोइंग विंड ट्रांसपोर्ट करती है इसे। दी सॉइल हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। इसकी डेंसिटी कम होती है और कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। ट्रांसपोर्ट हुई है किससे? विंड से ट्रांसपोर्ट हुई है। तो विंड से ट्रांसपोर्ट हुई है, तो ये विंड से ट्रांसपोर्ट हुई। सैंड ड्यून्स देख रखे हैं आपने, यू मस्ट हैव सीन सैंड ड्यून्स। तो उसकी डेंसिटी कम होती है, बिल्कुल सही बात है। कॉम्पैक्शन हो नहीं पाएगी, कॉम्पैक्शन हो नहीं पाएगी, तो डेंसिटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। लो कंप्रेसिबिलिटी, अभी पीछे बताया ट्रांसपोर्टेड बाय विंड है, इसको कोलेप्सिबल सॉइल भी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। तो ये चीज गलत लिखी हुई है इसमें। तो डेंसिटी कम होती है पर कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। सर कंप्लीट सोर्स कराओगे ना सॉइल मैकेनिक्स का? अरे प्रभु करा दिया है, कितनी बार कराऊंगा कंप्लीट कोर्स? सॉइल मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स करा दिया है। तुम जागो तो सही, जब तुम जाग जाओगे, जब तुम्हारी नींद खुलेगी, सॉइल मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स तुम्हारे सामने दिखेगा। तुम जाग ही नहीं रहे। दिस सॉइल इज डिपॉजिटेड बाय द विंड। ये सॉइल डिपॉजिट होती है किससे? विंड से, बिल्कुल सही बात है। दिस सॉइल हैज लार्ज परमिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। अभी डिस्कस किया, डेंसिटी कम है, वॉइड ज्यादा है, परमिबिलिटी क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। तो ये बात भी सही है, इसकी परमिबिलिटी ज्यादा होती है। सो आंसर इज बी। क्लियर है पूरी कहानी? चले आगे। मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट वन और लिस्ट टू को कंपेयर करो और आंसर बताओ। देखो भैया, फर्स्ट है लूज सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर, डिपॉजिटेड ऑफ मरीन ओरिजिन, डिपॉजिटेड बाय विंड, ऑर्गेनिक सॉइल। तो लूज सॉइल क्या होती है? डिपॉजिटेड बाय विंड। पीट सॉइल डिस्कस किया था, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, तो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर। माल सॉइल मरीन ओरिजिन की सॉइल होती है, ऑर्गेनिक है और मरीन ओरिजिन की भी है। निकाल लो जो भी ऑप्शन निकल के आ रहा है, वॉट एवर ऑप्शन इज कमिंग आउट। सर ये पूरी आईएएस की कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज है क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, समझ जाओ तुम अपने आप। सो दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर, जिसमें बेसिक जानकारी दी जाती है, सॉइल क्या होती है, सॉइल मैकेनिक्स क्या होती है, सॉइल कैसे बनती है, कितने तरह की सॉइल है। अरे भारत का वो कहाँ गया झंडा? अरे अपलोड ही नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने एक स्लाइड और अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको इंडिया का मैप लगाया था। इंडिया के मैप में आपको अलग अलग जोन्स में सॉइल दिखाई थी, कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, वो अपलोड हुआ ही नहीं। दैट इज नॉट बीइंग अपलोडेड। अब ठीक है, कल दिखा दूंगा, वो मिस हो गया होगा। सर आप इरिगेशन का कंप्लीट कोर्स ले लो, आप जाग जाओ, जिस समय आप जाग जाओगे उस समय इरिगेशन का कंप्लीट कोर्स देखेगा आपको अपनी आंखों में। तुम जागो, तुम अभी निद्रा में हो, जिस समय तुम जागोगे उस समय तुम्हें इरिगेशन का कोर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन मार्क, नाम ही क्वेश्चन मार्क है इसका, नाम में डाउट है इसके। अरे भाई स्पैम क्यों कर रहे? अरे करने दो स्पैम, करने दो बेचारे को, तुम्हारा भी तो एंटरटेनमेंट हो रहा है। फोर फेज ऑफ सॉइल होता है ना, चार फेज होते हैं सॉइल के। एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है और टेटस होता है। देर आर फोर फेजेस ऑफ सॉइल, पांच भी होते हैं, घोष लगा दोगे पांचवा फेज भी बन जाएगा।
छठा फेज भी बताना है तो बताओ, छठा फेज पर्सनल मैसेज करना मुझे, बताऊंगा छठा फेज भी इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सॉइल। अभी तक तो हम जनरल बात कर रहे थे सॉइल की, अप टिल नाउ वी वर टॉकिंग इन जनरल। अब हम बात करेंगे टेक्निकली। नाउ टेक्निकली विल बी एंटरिंग इन टू सॉइल मैकेनिक्स। अब यहाँ से सारी टेक्निकल बातें निकलते आ जाएंगी, सो टेक्निकल पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड। अरे बताया ना वो भाई, वो घर से आज दृढ़ निश्चय लेके आया है कि आज वो तुम सबका एंटरटेनमेंट करेगा। तुम कुछ मत बोलो उसे, वो चला जाएगा। बाकी तुम्हें बोला था ना आज पहला दिन है, पहले दिन मिलेंगे आपको, अभी 1-2 दिनों में सब शांत हो जाएंगे, फिर तसल्ली से बैठ के पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सॉइल क्या होती है? इन जनरल सॉइल इज अ 3-फेज सिस्टम। जनरल बात करोगे सॉइल में 3 फेज मिलेंगे, सॉलिड होगा, एयर होगा और वाटर होगा। एयर और वाटर को जोड़ के हम क्या बोल देते हैं? वॉइड बोल देते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली जगह। अब ये 3-फेज सिस्टम और 2-फेज सिस्टम आपको दिखाया जाता है हर जगह। ये जो मैंने आपको सेपरेशन करके दिखाई है तीनों फेज की, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली इट इज नॉट द केस। सारे पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं। तो सॉलिड वाटर एंड एयर आर इंटरमिक्स विद ईच अदर एक्चुअली इन दी सॉइल, पर समझने के लिए हम क्या कर देते हैं? इनको सेपरेट आउट कर देते, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए हमारी। क्लियर है? चलो सर, यूट्यूब का सॉइल और प्लस का सॉइल में क्या डिफरेंस है? बेटा एक ही डिफरेंस है कि आपको यूट्यूब के सॉइल में टिटस का एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो अगर आपको टिटस का एंटरटेनमेंट चाहिए तो यूट्यूब पे आओ, अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो प्लस पे आओ। बस यही फर्क है, और कुछ फर्क ही नहीं है। तो यहाँ पढ़ाई तो होती होती है, साथ में टेटस एंटरटेनमेंट के लिए भी आता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको यूट्यूब का सॉइल करना है या प्लस का सॉइल करना है। कहाँ गया टेटस? हाजिरी भरो, बताओ उसको टेटस। वो सपरेट पूछ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैच देखने गया? हाँ चलो। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी सॉइल। सर जल्दी करो। मैं क्यों जल्दी करूं भाई? सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस सॉइल। सॉइल इज अ 3-फेज सिस्टम। इन सम एक्सट्रीम केस इट मे बी अ 2-फेज सिस्टम, पर कभी भी सिंगल फेज नहीं होगा। सिर्फ एयर कहलाएगी नहीं सॉइल, सिर्फ पानी कहलाएगी नहीं सॉइल। तो सिर्फ एयर है तो एयर है, सिर्फ पानी है तो मतलब पानी है, सिर्फ सॉलिड है तो वो रॉक कहलाएगा। इट विल बी टर्म्ड एज रॉक। तीनों का मिक्सचर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। इसमें एयर और वाटर को जोड़ के हम वॉइड में डाल देते हैं। इन सम एक्सट्रीम केस इट मे बी अ 2-फेज सिस्टम ऑल्सो। कहने का मतलब है सारे वॉइड पानी से भरे हुए हैं, सॉइल इज फुल्ली सेचुरेटेड, सारे वॉइड एयर से भरे हुए हैं। तो सॉलिड प्लस वाटर मे बी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल, सॉलिड प्लस एयर में ऑल्सो भी अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल, बट इन जनरल सॉइल में आपको तीनों चीजें मिलेंगी, सॉलिड भी होगा, वाटर भी होगा और एयर भी होगा। तो वो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट कैन बी सीन फ्रॉम दी स्क्रीन। क्लियर है? सर एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो कंप्लीट है? नहीं वो कंप्लीट नहीं है, उसके बाद मैं अभी और कराऊंगा तो वो क्लास लगाना। वो बस सिर्फ 10% ही है, अभी 90% में और कराऊंगा उसके अंदर। तो जब वो नया वापस चालू होगा कोर्स, वापस वो लगाना, बाकी 90% में प्लस पे कराऊंगा, प्लस पे आ जाओ। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग का 10% मैंने यूट्यूब पे करा रखा है, 90% अभी मैं प्लस पे कराऊंगा। तो प्लस पे आ जाओ, वहां पे भी मिलेगा आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग पूरी। चलो प्लस पे हो तो फिर यहां क्या करने आए हो तुम?
ये देखो प्लस का स्टूडेंट है, फिर यहाँ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज देखो, एक तरफ मैंने आपको वॉल्यूम दिखा रखा है, दूसरी तरफ मैंने आपको वेट दिखा रखा है इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। वी एस स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वी डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वी एस स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड, एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी टर्म्ड एज वॉल्यूम ऑफ सॉइल। दोनों को जोड़ देंगे, क्या बोल देंगे? टोटल वॉल्यूम बोल देंगे। क्लियर है? चले चलो अब बात करते हैं वेट की। डब्ल्यू एस मतलब वेट ऑफ सॉलिड, डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू ए मीन्स वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर को आप क्या बोल सकते हो? वेट ऑफ वॉइड बोल सकते हो, और वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉलिड को आप टोटल वेट ऑफ सॉइल बोल सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, एयर की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि जितना मर्जी ज्यादा वॉल्यूम हो जाए एयर का, उसका वेट हमेशा नेग्लिजिबल मिलेगा, 1.2 kg/m³। मतलब 1 m³ हवा लोगे उसका वेट आपको मिलेगा 1.2 kg। पर यहीं पर ही आपने 1 m³ लेटर सपोज पानी ले लिया, इसका वेट है 1000 किलो, वो 1.2 किलो, वो 1000 किलो। यहीं आपने 1 m³ सॉलिड ले लिया, इसका वेट होगा 2600 किलो। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप वेट निकाल रहे हो वॉइड का, आप बोल सकते हो वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, पर आप ये नहीं बोल सकते वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी होगी, हियर वॉल्यूम ऑफ एयर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। क्लियर है? ये कैलकुलेशन मैंने आपको अगले पेज पे करा रखी है, अब ध्यान रखना है इसके अंदर, ये मेन चीज है, अब मजाक बंद करो। तो मैंने क्या बोला, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या जोड़ दिया? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है चीज? अब इसको नेग्लेक्ट मत कर देना, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर सिग्निफिकेंट होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर इज हाईली सिग्निफिकेंट। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हाईली सिग्निफिकेंट, इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर जब मैं वेट लिखूंगा सॉइल का, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब क्योंकि डेंसिटी एयर की कितनी है? बहुत ही कम है, 1.2 kg/m³। पानी की 1000 किलो, सॉलिड की कितनी? 2600 किलो। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हो, वेट ऑफ एयर को नेग्लेक्ट कर सकते हो वेट ऑफ वाटर के सामने। तो ये हमारा क्या है? नेग्लिजिबल है, दिस इज नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब क्या बोला जा सकता है? इसका मतलब ये बोला जा सकता है वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, पर आप ये नहीं बोल सकते वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये बात आपकी गलत है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सर कैसे हैं आप? मैं हैंडसम हूं, तुम बताओ कैसे हो? वॉल्यूम को लेफ्ट में और वेट को राइट साइड में डिनोट करने का कोई स्पेसिफिक रीजन है? भाई क्या सवाल पूछ रहे हो तुम? इसको डिनोट करने से क्या फर्क पड़ता है? भाई तुम यहां लिख दो वॉल्यूम को, यहां लिख दो वेट को, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? ये बोला कोई सिग्निफिकेंस है, वॉल्यूम यहां लिख दिया, वेट यहां लिख दिया। अरे भाई कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ता है क्या इन बातों से? मतलब कहां दिमाग चला रहा है कि वेट कहां पर है, वॉल्यूम कहां पर है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। अब वो जो पीछे 3 phase diagram बना के दिखाया था, उसको अपने दिमाग में रखना, उसी के बिहाफ पे आगे प्रॉपर्टीज चलेंगी। द 3 phase diagram विच आई हैव डिस्कस, कीप दैट 3 phase diagram इन माइंड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली विल बी डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। भाई कम से कम एक चैप्टर तो खत्म कर लो आज, मेरे को जो तुम्हारी हालत लग रही है ना, उससे तो एक चैप्टर भी नहीं दिख रहा मुझे कि तुम एक चैप्टर भी खत्म कर जाओ। एनवायरमेंट का फुल कोर्स करा दो, तुम मुंह धो के आओ, जैसे तुम मुंह धो के आके बैठोगे स्क्रीन के सामने, एनवायरमेंट का कोर्स कंप्लीट मिलेगा तुम्हें। तुम जाओ फटाफट जाओ, अभी भागते भागते जाओ और मुंह धो के आओ, एनवायरमेंट का कोर्स वहीं पे कंप्लीट मिलेगा तुम्हें।
एक बार पीछे वाला बता दीजिए। ये लो पीछे वाला बता दिया। जाओ फटाफट जाओ मुंह धो के आओ। सर जी ये क्लास स्टेट जेई के लिए है। नहीं स्टेट जेई के लिए नहीं है ये। दिस इज ओनली फॉर गली जेई। समझा दीजिए वाला। अरे भाई इसको ये वाला भी समझाना है। ये तुम्हें अगर मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी में अगर करनी है सिविल इंजीनियरिंग उसके लिए कोर्स है ये, स्टेट जेई का नहीं है। अगर तुम्हें मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी से सिविल करनी है तो उसके लिए ही है, उसके एडमिशन के लिए करा रहा हूं मैं। देखो भैया क्या है, यहाँ पे हमने पीछे ये डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सर वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी एड ऑन द लास्ट लाइन वॉल्यूम। हाँ ये नॉट है बेटा, नॉट है। जैसे मैंने पीछे लगाया था ना नॉट, वो नॉट नहीं लगा हुआ, तो वो सही लिखा हुआ है, वो नॉट नहीं। भाई टाइपिस्ट टाइप करता है, उसको सारी चीजें नहीं समझ में आती हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल बनता है। वॉल्यूम ऑफ एयर बहुत ज्यादा होती है, कंसिडरेबल अमाउंट में होती है। आप ऐसा बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर से भी ज्यादा होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से भी ज्यादा होती है। क्लियर है चीज? तो हम ये नहीं बोल सकते वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्लियर है चीज? उसी तरीके से वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉइड प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल है, अभी पीछे बताया आपको क्यों, अभी पीछे आपको ये जानकारी दी थी क्यों, क्योंकि डेंसिटी बहुत कम होती है हवा की। तो हम बोल सकते हैं वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, ये जानकारी दी थी आपको। यहाँ पे बस नॉट का साइन नहीं लगा हुआ था। चले आगे, समझ लिए? अरे भाई पढ़ने दो उसको, पूछने दो जो डाउट पूछ रहा है, और कोई तो क्लियर करेगा नहीं वैसे भी। चले चलो भाई हो गया भाई, अब प्रॉपर्टी कराने दे दो, अब शांति से बैठ रहो। फटाफट फटाफट प्रॉपर्टी कंप्लीट कराता हूँ मैं। तो टारगेट था मेरा कम से कम एक चैप्टर तो कर लेंगे। एक चैप्टर करना मैं वैसे 25-30 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली अगर मैं डिटेल में कराऊँ। मैंने सोचा था आज 3 घंटे में करा दूंगा, पर आज इतने महान महान लोग आए हुए हैं। रियलिटी में वेट ऑफ एयर जीरो होता है। अरे जीरो कहाँ होता है भाई, लिखा तो हुआ है, कहाँ है जीरो, कहाँ लिखी हुई है जीरो? ये 1 मीटर क्यूब का वेट लिखा तो हुआ है 1.2 kg। तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब एयर लूं भाई, उठा लो भगवान, मुझे नहीं। ये है 1.2 kg, ये है 1000 kg। तो टोटल तो कितना हुआ, टोटल हुआ 1001.2 kg। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना अप्रोक्सीमेटली 1000 kg। उसी तरीके से एयर है, वाटर है और सॉलिड भी है। अगर ये 1 मीटर क्यूब है, ये 1 मीटर क्यूब है, ये 1 मीटर क्यूब है, ये है 1.2 kg, ये है 1000 kg, ये है 2600 किलो। टोटल कितना हुआ, 3601.2 किलो। तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो ना 3600। नेग्लिजिबल एरर आएगा मेरी कैलकुलेशन में। तो जीरो नहीं है उसका वेट, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए तो डेंसिटी भी लिख के बता रखी है सबके।
टाइम पास कर रहे हैं लोग, तो मैं भी तो यही कर रहा हूँ। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं भी इंजीनियर हूँ और तुमसे पहले पास आउट हूँ, और तुम्हारे जैसे 10 लाखों को पढ़ा चुका हूँ मैं। सर आई हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग स्किल टेस्ट। हाँ देखो, ये इसको स्किल टेस्ट की बात करनी है। हाउ कैन आई आस्क यू आफ्टर दिस क्लास? नहीं, अभी पूछो, अभी पूछो स्किल टेस्ट के बारे में। अभी पूछो, तू क्या पूछ रहे हैं स्किल टेस्ट के बारे में, तुम्हें बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। पूछो, तुम पूछो स्किल टेस्ट के बारे में। मुझे एन अकेडमी की टी शर्ट चाहिए प्लीज। जयपुर में आ जाना, जयपुर में भी स्टोर लॉन्च है अभी। जयपुर में स्टोर लॉन्च होगा, वहां पे आ जाना, तुम्हें टी शर्ट दे दूंगा एन अकेडमी की, सब कुछ दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब क्या होती है वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड के रेशियो को हम क्या बोल देते हैं? वाटर कंटेंट बोल देते हैं। इसको आप परसेंटेज के टर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हो, इसको आप फ्रैक्शन के टर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हो। इट कैन बी रिपोर्टेड इन बोथ, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब इस वाटर कंटेंट की कोई रेंज नहीं होती, देर इज नो रेंज ऑफ दिस वाटर कंटेंट। कहने का मतलब है जो वेट ऑफ वाटर है इसकी कुछ भी रेंज हो सकती है। सो वेट ऑफ वाटर कैन बी लेस देन, कैन बी इक्वल, कैन बी ग्रेटर देन वॉट वेट ऑफ सॉलिड। इसका मतलब जो वाटर कंटेंट है इसकी रेंज क्या हो गई? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पानी है ही नहीं सॉइल के अंदर, तो वाटर कंटेंट कितना हो गया? जीरो। बाकी अपर लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, अपर लिमिट में भी है नहीं। सर टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? जब तुम बोलो, जब तुम्हारा मन हो मेरे को मैसेज कर देना। सर मेरा मन कर रहा है क्लास करने का, मैं क्लास ले लूंगा। सर आप भी मजे मजे हो, मेरा एग्जाम है प्लीज इग्नोर देम। भाई मैं तो क्लास ले रहा हूँ, अब लेने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? मतलब इसमें भी मेरी गलती है, मतलब हर चीज में मेरी गलती है, मतलब कुछ भी चीज हो जाए सब सब में मेरी गलती है। कि सर फ्री में पढ़ा दो, यहां फ्री में पढ़ा दिया तो मेरी गलती। सर नोट्स नहीं है, नोट्स दे दिए, उसमें भी मेरी गलती। सर रिवीजन करा दो, रिवीजन करा दिया, उसमें भी मेरी गलती। पीवाईक्यू करा दो, पीवाईक्यू करा दी, उसमें भी मेरी गलती। सर ऑनलाइन में सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन करा दिया, सिलेक्शन कैसे हो गए? उसमें भी मेरी गलती, सब में मेरी गलती। मतलब करा रहा हूँ मैराथन, उसमें भी मेरी गलती है भाई। सर डाउट क्लियर नहीं होते, डाउट क्लियर कर रहा हूँ, उसमें भी मेरी गलती। मतलब हर चीज में मेरी गलती है। आठ सौ नौ सौ भी हो सकती है, अरे कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। सर कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट के लिए क्या ऑप्शंस हैं? ये सेम, हाँ बिल्कुल है। तो एक दो वैकेंसीज होती हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी, वो आपको नोटिफिकेशन देखनी पड़ेंगी, और वो भी हर बार वेरी कर जाते हैं क्योंकि हर डिपार्टमेंट ही चेंज हो जाते हैं। चलो, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ये रेशियो है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का, इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, इट्स रेंज में भी है नहीं। नाउ द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज दैट, कि अभी मैंने वेट ऑफ वाटर को वेट ऑफ सॉलिड के टर्म में रिपोर्ट किया। आप वेट ऑफ वाटर को रिपोर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉइल। तो ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया? डब्ल्यू डबल डैश का नाम दे दिया। सो वेट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ द वेट ऑफ सॉइल इज ऑल्सो वाटर कंटेंट। और सॉइल के वेट को मैंने कैसे डिनोट किया? डब्ल्यू डैश से, क्योंकि बहुत सारे डब्ल्यू हो गए थे, डब्ल्यू ये वाटर कंटेंट है, तो डब्ल्यू डैश मैंने क्या बोल दिया? वेट ऑफ सॉइल बोल दिया। तो आप वेट ऑफ वाटर को वेट ऑफ सॉइल के टर्म में भी रिपोर्ट कर सकते हो। पर अब ध्यान रखना, पानी का वेट सॉइल के वेट से ज्यादा नहीं हो सकता, पानी का वेट सॉइल के वेट के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब डब्ल्यू डबल डैश कभी भी 100% के बराबर नहीं होगा, हमेशा इससे कम होगा, इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। क्लियर है? लिंक बता दो टेलीग्राम का। बेटा मैं तो लिंक बता दूंगा,
तुम ज्वाइन करने वाले बनो, तुम क्यों भूल जाते हो हर बार? मैं तो लिंक बता दूंगा, तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे। और अगर मेरे लिंक बताने के बाद तुमने अगर ज्वाइन नहीं किया तो फिर आज के बाद लिंक मत पूछना। तो लिखो लिंक t.me/+RRJRE CAPITAL_KEI CAPITAL C9U। ये टेलीग्राम का लिंक था, ज्वाइन कर लो। फटाफट ज्वाइन करो। ज्वाइन कर लो फटाफट लिंक। अब सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज कि वाटर कंटेंट कैन बी रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट कैन बी रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉइल। अब ऐसा क्यों किया, व्हाई इट इज बीन डन सो? इसके दो रीजन है, देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक हमें एनालिसिस करनी पड़ती है थ्योरी के अंदर, ये सारी थ्योरेटिकल बातें। दूसरा, एक हमें एनालिसिस करनी पड़ती है प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर। इन दोनों के लिए हमें दो दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हुई। क्यों दो दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट हुई? जब भी मैं फील्ड में कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहा होता हूँ या फील्ड में एनालिसिस कर रहा होता हूँ, वहां पे हम जब सॉइल का सैंपल उठाते हैं, मुझे टोटल वेट ऑफ सॉइल पता होता है। उस सॉइल के अंदर सॉलिड का वेट निकालने के लिए मुझे दोबारा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या टेस्ट है, अभी करेंगे आगे। तो जब भी मैं फील्ड में एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मुझे वेट ऑफ सॉइल पता होता है। पर जब थ्योरी बनाई जाती है हमेशा, उसमें हम रिपोर्ट करेंगे हर पैरामीटर को वेट ऑफ सॉलिड के टर्म में। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड एक स्टेबल पैरामीटर है, वेट ऑफ सॉइल एक स्टेबल पैरामीटर नहीं है। इट इज नॉट अ स्टेबल पैरामीटर। अब स्टेबल पैरामीटर का मतलब क्या हुआ? अगर मैंने पानी का वेट बदला, इफ आई चेंज द वेट ऑफ द वॉटर, सो इफ आई चेंज द वेट ऑफ द वॉटर, पानी का वेट बदलने से सॉलिड के वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इफ आई चेंज द वेट ऑफ द वॉटर, देयर विल बी नो चेंज इन द वेट ऑफ सॉलिड, बट वेट ऑफ सॉइल विल चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्टली कभी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैंने पानी का वेट 10% बदला, तो आप बोल सकते हो W 10% चेंज हो गया। पर आप ये नहीं बोल सकते कि W"' 10% चेंज हो गया। क्यों? अगर आपने पानी का वेट 10% बदला, तो सॉइल के वेट में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। 10% नहीं होगा, उससे कुछ कम चेंज होगा। पर मैं डायरेक्ट एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए थ्योरी में आपको वाटर कंटेंट मिलेगी W, यानी इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। पर प्रैक्टिकली मैं किसे यूज कर रहा हूँ? W"' को, इन टर्म्स ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल। इसलिए दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर सॉलिड के टर्म में रिपोर्ट करोगे, वाटर कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पर अगर आप सॉइल के वेट के टर्म में रिपोर्ट करोगे, इसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 100 के बीच में। 100% कभी नहीं हो सकता, ना 100 से ज्यादा हो सकता, क्योंकि पानी का वेट सॉइल के वेट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वाटर कंटेंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात थी। क्लियर है सर? व्हेन यू स्टार्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर, एज सून एज यू विल वॉश योर फेस, गो एंड वॉश योर फेस, आई विल स्टार्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड आई विल फिनिश ऑल्सो एट दैट टाइम ओनली। गो क्विकली एंड वॉश योर फेस, एनवायरमेंटल विल बी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। ये सब आज नशा करके आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यू कैन ऑल्सो मैथमेटिकली फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन W"' एंड W। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी निकाल सकते हो। वॉटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ द वेट ऑफ सॉइल, वॉटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड। कैसे निकाला हुआ है मैथमेटिकल रिलेशनशिप? W"' इज इक्वल टू वॉट? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल को क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। दोनों को जोड़ा, डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को वेट ऑफ वाटर से, ये कैंसल आउट हुआ 1। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड इज नोन एज वाटर कंटेंट, W बोला था इसको हमने। इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप निकल के आ गई दोनों में। इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको, यू विल फाइंड द न्यूमेरिकल ऑन दिस। ये देखो महबूब सर, आपने सॉइल करा रखी है न्यू सब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट नहीं करा रहा हूँ, रिवीजन चल रही है, मैराथन सेशन है। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, 1% शर्म नहीं है। 1% एक तरफ तो रोते रहते हैं कि सर पढ़ने को नहीं मिलता, पढ़ने
पढ़ा दो फ्री में, ये करा दो वी करा दो, और जब वही चीज कराने बैठता हूँ हरकतें देख लो अपनी। मतलब अभी तक तो मैं भी मजाक कर रहा था, पर अगर सीरियस नोट पे बोलूं 1% शर्म नहीं है। मतलब अगर शांति से बैठते अभी तक दुगना कंटेंट हो जाता। चलो चेक दी प्रॉब्लम्स ऑन दिस, प्रॉब्लम चेक करो उस पे। दी सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल आर रिस्पेक्टिवली 2000 केजी पर मीटर क्यूब एंड 1500 केजी पर मीटर क्यूब। दी वाटर कंटेंट ऑफ दी सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट विल बी। सवाल बोल रहा है वाटर कंटेंट बता दो सैचुरेटेड स्टेट के अंदर। अब देखो इस सवाल को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, देर आर मोर देन वन मेथड्स अवेलेबल टू अटेम्प्ट दिस। एक मेरे पास स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी, वो रिलेशनशिप मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी दैट रिलेशनशिप आई विल डिस्कस। दूसरा अभी जो आपको बेसिक मेथड बताया है, बेसिक अभी आपको डेफिनेशन बताई है, उसी को अप्लाई करके भी क्या निकाल सकते हो आप, वाटर कंटेंट निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड दी वाटर कंटेंट, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे सॉल्व करो, मैं दोनों मेथड से आपको बता दूंगा। आई विल डिस्कस बाय बोथ दी मेथड्स। तो पहला मेथड, पहली अप्रोच अगर मैं यूज करूँ, इसने सेचुरेटेड और ड्राई डेंसिटी दे रखी है, तो गामा डी की वैल्यू कितनी होती है? गामा डी डेंसिटी दे रखी है तो रो डी है, तो रो डी इज इक्वल टू व्हाट? जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। उसी तरीके से रो सेचुरेटेड इज व्हाट? जी प्लस ई एस रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप। और एस की वैल्यू कितनी डाल दूंगा मैं? एस की वैल्यू 1 डाल दूंगा। तो इन दोनों की आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ दीज टू पैरामीटर इज गिवन टू यू। जैसे ही मेरे को ई पता चल जाएगा क्या निकाल सकते हो आप? ई एस को मैं डब्ल्यू जी लिख सकता हूँ, सो ई एस कैन बी रिटर्न एज वॉट? डब्ल्यू जी। एक रिलेशनशिप और होती है हमारे पास, सो ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो एक रिलेशनशिप तो यही है मेरे पास, वन ऑफ द रिलेशनशिप इज दिस। तो आप ई एस की वैल्यू कितनी डाल सकते हो? डब्ल्यू जी। तो जी कॉमन निकल के आ जाएगा बाहर, सो डी प्लस डब्ल्यू जी रो डब्ल्यू अपॉन वन प्लस सी। तो एक जानकारी तो आपको ये मिल जाएगी। तो दोनों को डिवाइड कर लो, जब जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे ये लो जी रो डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया अपॉन वन प्लस डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई। इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, यू कैन सॉल्व इट। तो एक मेथड तो ये है मेरा, दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा, द सेकंड ऑफ द मेथड, ये बोल रहा है सेचुरेटेड डेंसिटी दे रखी है, ड्राई डेंसिटी दे रखी है आपको। सो ड्राई डेंसिटी दिस इज इक्वल टू व्हाट? ड्राई मास ऑफ द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। सेचुरेटेड वेट दिस इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राई मास ऑफ सॉइल प्लस मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। तो वॉल्यूम तो वही है सॉइल का, यहां से भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट। तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है वैसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। निकाल के बताओ कितना रिजल्ट आ रहा है, यहां से सॉल्व करोगे कंपेरेटिवली आसान पड़ेगा, दिस विल बी कंपेरेटिवली सिंपल। आप वॉल्यूम ले सकते हो 1 मीटर क्यूब, यू मे कंसिडर द वॉल्यूम टू बी 1 मीटर क्यूब। फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। तो मैंने दोनों अप्रोच बता दिए, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री, चलो बहुत बढ़िया। सो 33.33 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ अ सॉइल सैंपल वेट्स 0.18 kg हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10⁻⁴ m³, ड्राई यूनिट वेट इज 1600 kg पर मीटर क्यूब इज मिक्स विद 0.2 kg ऑफ द वाटर, देन द वाटर कंटेंट इन द सैंपल विल बी। चलिए तो सॉइल सैंपल है, उसका वेट दे रखा है 0.8 kg, वॉल्यूम दे रखी है, ड्राई यूनिट वेट भी दे रखा है आपको। ड्राई यूनिट वेट है 1600 kg/m³, इट इज मिक्स विद 0.2 kg ऑफ द वाटर, देन द वाटर कंटेंट इन द सैंपल विल बी हाउ मच? सिंप्लीफाई करके बताइए, टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब दे तो रखा है टोटल वॉल्यूम, ये रहा।
वैसे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, देर इज नो नीड ऑफ दी वॉल्यूम। जैसे मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो वॉल्यूम की तो वैसे ही रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे दोनों को डिवाइड करोगे वॉल्यूम तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना, पर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया, 1 मीटर क्यूब ले लो, यू मे कंसिडर इट टू बी 1 मीटर क्यूब, डाल दो वैल्यू 1 मीटर क्यूब दोनों के अंदर। क्लियर है? चलो देखो क्या पूछा है। सो द सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 केजी हैव अ वॉल्यूम ऑफ दिस मच, ड्राई यूनिट वेट दे रखा है आपको 1600 किलो पर मीटर क्यूब, तो क्या निकाल सकते हो यहां से? व्हाट कैन बी कंप्यूटेड? ये हमारा वेट ऑफ सॉइल है, वेट ऑफ सॉइल मतलब वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, दिस इज इक्वल टू 0.18 केजी। इसकी आपको ड्राई यूनिट वेट दे रखी है रो डी, रो डी का मतलब हुआ वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसका मतलब वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं 1600 इंटू 10 रेज पर -4, यानी वैल्यू कितनी आ गई 0.16। सो 0.16 केजी, तो 0.16 केजी, तो 0.18 केजी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर प्लस 0.16। तो इनिशियली पानी का वेट कितना है? 0.18 माइनस 0.16, 0.02 केजी। तो इनिशियली इतना पानी प्रेजेंट है इसके अंदर, इनिशियली दिस मच ऑफ द वाटर इज देयर। फिर आपने क्या किया, इसमें 0.02 केजी पानी और मिला दिया, बोल रहे आप बताओ वाटर कंटेंट कितना है। तो जैसे ही आपने और पानी मिला दिया, 0.02 प्लस 0.02, ये हो जाएगा 0.04 केजी। तो मेरा वाटर कंटेंट कितना होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, सो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड तो कितना हुआ, 0.04 डिवाइड बाय 0.16 इनटू 100, सिंपलीफाई करके निकाल लो कितना हो रहा है, सिंपलीफाई एंड कैलकुलेट। कितना आ रहा है, 25%, तो 25%। चले आगे, चलो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज नोन एज वॉइड रेशियो। अब क्या होता है वॉइड रेशियो? वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, ध्यान रखना वॉइड का वॉल्यूम है ये, इसको हम टेक्निकली वॉइड रेशियो बोल देते हैं। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है? नहीं, जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल नहीं है, ये रॉक है। सॉइल में आपको हमेशा वॉइड्स मिलेंगे, इसका मतलब इसकी अपर लिमिट तो कुछ भी हो सकती है, बस ये जीरो नहीं हो सकती, इट कैन नेवर बी जीरो। क्लियर है? तो ये रेंज आ गई, तो वॉइड रेशियो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। वॉइड रेशियो कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल। हम इसको डेंसनेस का इंडिकेटर भी मान सकते हैं। कैसे इंडिकेटर मान सकते हैं डेंसनेस का, ध्यान से समझना इस चीज को। तो वॉइड रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मेरे पास दो सैंपल है, दोनों सैंपल में टोटल वॉल्यूम सेम है। ये पहले वाला सैंपल है, ये दूसरे वाला सैंपल है, दिस इज सेकंड सैंपल। तो पहले वाले सैंपल में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा, दूसरे वाले सैंपल में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम। तो अगर मैं पहले सैंपल की बात करूं, E1 वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वॉइड रेशियो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इट मीन्स ही वॉइड रेशियो विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस। क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा, E2 वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम, इसका मतलब क्या हुआ, वॉइड रेशियो ज्यादा है, वॉइड रेशियो इज मोर। ये डेंसनेस का इंडिकेटर कैसे बन गया? अगर वॉइड रेशियो हमारी कम है, इसका मतलब डेंसनेस क्या है, सॉइल के अंदर ज्यादा है।
क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम है मतलब सॉलिड ज्यादा है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो सेम रखा हुआ है, तो सेम वॉल्यूम में ज्यादा सॉलिड इसका मतलब ज्यादा कॉम्पैक्टेड होंगे, इट मीन डेंसर इज मोर। तो ये भी एक इंडिकेटर है, पर कैसा इंडिकेटर है, इनवर्स तो लिखा हुआ है आगे, कहाँ है, नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो वॉइड रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ डेंसनेस ऑफ द सॉइल, पर कैसे इंडिकेट करता है डेंसनेस, इनवर्सली इंडिकेट करता है। क्लियर है पूरी कहानी, जितना वॉइड कम उतना सॉलिड डेंस होगा, बिल्कुल सही बात है। क्लियर है, चलो तो ये जानकारी तो निकल के आ गई। नेक्स्ट, यू शुड ऑल्सो नो कि हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वॉइड रेशियो के टर्म में अरेंज कर सकते हैं, हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वॉइड रेशियो के टर्म में अरेंज कर सकते हैं। मैंने रिलेशनशिप निकाल के रखी हुई है, अब क्योंकि मैराथन सेशन है, रिविजन ही कराना है, मैं अवॉइड करूंगा किसी भी रिलेशनशिप की डेरिवेशन। फुल कोर्स में मैंने आपको डेरिवेशन भी करा के दे रखी है, इन फुल कोर्स आई हैव गिवन यू द डेरिवेशन ऑल्सो, पर आपको ये रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वॉइड रेशियो के टर्म में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली न्यूमेरिकल बनेंगे इसके ऊपर। क्लियर है, चले आगे। आगे बढ़ते हैं, तो ये जानकारी भी हुई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वॉइड रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, एक है हमारी फाइन ग्रेन सॉइल, दूसरी है हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल। द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज फाइन ग्रेन, द सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज कोर्स ग्रेन सॉइल। मुझे इन दोनों की वॉइड रेशियो को कंपेयर करके बताना है आपको। फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल का मतलब पार्टिकल साइज छोटा है, फाइन ग्रेन सॉइल का पार्टिकल साइज छोटा है। पार्टिकल साइज छोटा है इसका मतलब वॉइड का साइज छोटा है, पर सेम वॉल्यूम में आपको नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा मिलेंगे, इसीलिए फाइन ग्रेन सॉइल की टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा निकल के आती है इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इन दोनों को कंपेयर करके दे रखा है, एक फाइन ग्रेन सॉइल है छोटे साइज के पार्टिकल, दूसरा कोर्स ग्रेन सॉइल है बड़े साइज के पार्टिकल। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड की, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉइड इनटू वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड। फाइन ग्रेन सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड तो छोटी होती है पर नंबर ऑफ वॉइड ज्यादा होते हैं, तो जब आप मल्टीप्लीकेशन निकालते हो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा निकल के आता है, किससे, कोर्स ग्रेन सॉइल से। सो इन कोर्स ग्रेन सॉइल नंबर ऑफ वॉइड्स आर लेस बट वॉल्यूम ऑफ वन वॉइड इज मोर। तो फाइन ग्रेन सॉइल की वॉइड रेशियो, या आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, कोर्स ग्रेन सॉइल से क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, इट विल बी कंपैरेटिवली मोर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इतनी जानकारी आपके पास डायरेक्टली होनी चाहिए। क्लियर है पूरी कहानी, कोई भी पॉइंट रिपीट करना हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसी के साथ क्या है, पहले तो सवाल कर लेते हैं। इसी के साथ आपको पोरोसिटी भी मिलेगी, जो एक जना पूछ भी रहा था कि सर मुझे पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में डिफरेंस नहीं समझ में आता, हर बार गलती होती है, तो उस जो एम्बिग्यूटी है उसको भी यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले तो सवाल देखो क्या पूछ रहा है। इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, वेट सॉइल मास है, एयर का वॉल्यूम कितना है, 1/4 है, एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो लेट अस सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉइल वी है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना दे रखा है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, 1/2 नहीं 1/4, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो ये जानकारी आपको दे रखी है। मैक्सिमम वॉइड रेशियो, अरे भाई शांति करके बैठ जाओ ना, बता दूंगा ना, मतलब प्यार से बोल रहा हूं तो सर पे चढ़ते जाओगे क्या, जो टॉपिक चल रहा है करो ना, आज तक कोई चीज छोड़ी है क्या,
क्लास लगानी नहीं है, फालतू की बकवास करनी है यहाँ पे आके कि मैक्सिमम वॉइड रेशियो बता दो, मिनिमम वॉइड रेशियो बता दो, जो बता रहा हूँ पहले वो तो पढ़ लो, कुछ रीजन होगा ना वो बताने का, तभी बता रहा हूँ। यही लखड़ रहे ना तो बस यहीं पे यूट्यूब पे पढ़ते रहने जाओगे बस। इतनी बार बोल दी भाई शांति से पढ़ तो लो जो पढ़ा रहा हूँ, सब मैक्सिमम वॉइड रेशियो बता दो, मिनिमम बता दो, मैक्सिमम बता दो, बता दूंगा ना आगे जब आएगा, जब जरूरत होगी, जिस समय जरूरत होगी हर चीज की बता दूंगा खुद ही मैं। सब बेवकूफों की तरह लगे हुए हैं, सर मैक्सिमम वॉइड रेशियो बता दो, मिनिमम बता दो, सर मैक्सिमम बता दो, मिनिमम बता दो। एयर ऑक्यूपाइज 1/4 एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2, वाटर 1/2 बोल रहा है, सो वाटर ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब सवाल बोल रहा है वॉइड रेशियो बता दो कितना है, व्हाट इज द वॉइड रेशियो। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू वी बाय टू प्लस वी बाय फोर, एड कर लो कितनी निकल के आ रही है। सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, एलसीएम लिया 4, 2, 3/4 टाइम्स ऑफ वी, तो वॉइड रेशियो क्या होती है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू व्हाट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो 3/4 टाइम्स ऑफ वी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, 3/4 टाइम्स ऑफ वी, वी माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ वी, सो 3/4 वी डिवाइड बाय 1/4 वी, तो वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 3 निकल के आ गई, सो आंसर कम्स आउट टू बी सी। क्लियर है, कोई स्टेप रिपीट करना उसमें से। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ सॉइल हैव वॉइड रेशियो ऑफ 0.7, कैन बी मेड फ्रॉम 30 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विद वॉइड रेशियो 1.2। देखो पीछे वाली कहानी आ गई, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल हैविंग वॉइड रेशियो 0.7 कैन बी मेड विद 30 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल विद वॉइड रेशियो 1.2। अब ये सवाल पूछा है इसने, वॉइड रेशियो में फर्क है पर सॉलिड क्या रहेगा, दोनों सॉइल के अंदर सेम रहेगा। तुम्हारे पास दो सॉइल के सैंपल है, एक सॉइल से आप दूसरी सॉइल बना रहे हो, एक सॉइल का वॉल्यूम है V1, दूसरी सॉइल का वॉल्यूम है V2, V2 दे रखा है इसने 30 मीटर क्यूब, इसका वॉइड रेशियो है हमारे पास 0.7, इसका वॉइड रेशियो इसने दे रखा है 1.2। तो बोल रहा है आपको सॉइल 2 से सॉइल 1 बनानी है, आपने वॉइड रेशियो बदल दिया, वॉइड रेशियो बदलो, हवा को बाहर निकाल दो, पानी को चेंज कर सकते हो, पर सॉलिड क्या है दोनों के अंदर सेम है, तो कंसेप्ट टू बी अप्लाइड इन दिस प्रॉब्लम इज व्हाट, कि दोनों के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या रहेगी, सेम रहेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन 2। इसका मतलब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके टर्म में पता होना चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉइड रेशियो के टर्म में पता होना चाहिए, जो रिलेशन मैंने आपको पीछे बताई थी। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करके निकाल लो, V1 चाहिए था आपको, सो 1 प्लस 0.7 दिस इज 30 अपॉन 1 प्लस 1.2, V1 निकाल लो कितनी आ रही है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। सॉल्व करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। So 23.2 मीटर क्यूब। दोबारा
दो लोगों का आ गया तो यही होगा 23.2 मीटर क्यूब। चलिए देखिए आगे क्या है। अ सॉइल डिपॉजिट हैज अ वॉइड रेशियो ऑफ 1.2। इफ द वॉइड रेशियो इज रिड्यूस्ड टू 0.6 बाय कॉम्पैक्शन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम लॉस। अच्छा, कितना वॉल्यूम लॉस हुआ? सेम पीछे वाली कहानी, एग्जैक्टली सेम स्टोरी है। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम लॉस निकालना है आपको, तो हम बोलेंगे वी वन अपॉन वन प्लस ई वन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस इज इक्वल टू वी टू अपॉन वन प्लस ई टू। आपने वॉइड रेशियो चेंज किया, इसका मतलब क्या हुआ है? कॉम्पेक्शन करके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रखा हुआ है, हवाई चेंज करिए ना। तो इनिशियल वॉल्यूम वी वन था, फाइनल वॉल्यूम वी टू हो गया, तो हम बोलेंगे वी वन, नहीं वी टू बाय वी वन। चलो पहले तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है यहाँ से। वी वन अपॉन वन प्लस 1.2, वी टू अपॉन वन प्लस 0.6। तो जरा वी वन की वैल्यू बताना कितने गुना है, या वी टू की वैल्यू बता दो कितने गुना है। वी टू कितना हो गया? वी टू इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ वी वन, सिंप्लीफाई करके बताइए। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? वी टू कितना आ रहा? पॉइंट सेवन टू। सो वी टू इज 0.72 टाइम्स ऑफ वी वन। तो परसेंटेज लॉस कितना हुआ वॉल्यूम का? V1 माइनस V2 बाय V1 इंटू 100। सो V1 माइनस 0.72 V1 बाय V1 इंटू 100। दिस इज परसेंटेज लॉस, ये हमारा परसेंटेज लॉस है। सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए कितना आ रहा है। What is the percentage loss coming out? Simplify करके बताइए क्या आ रहा है। थर्टी सेवन तो मेरे को दिख ही रहा, वन माइनस 0.72 मतलब 28% दिख रहा है मेरे को, ये 28% दिख रही है मेरे को, तो 37 कैसे आ रही है आपकी? हाँ शोभित बोल रहा है 28% है, मेरे को तो 28% दिख रहा है, 28 आ रहा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करना बाकी लोग। 1 माइनस 0.72 डायरेक्टली इज क्या 28%? 28 है ना, तो 28 है तो नियरेस्ट ऑप्शन कितना है हमारे पास? 30। बट स्टिल दी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी फ्रेम्ड इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीकों से सवाल फ्रेम किया जा सकता है इसके अंदर। क्लियर है? चलो फॉर अ सैंडी सॉइल विद सॉइल ग्रेन्स स्फेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज, व्हाट इज द थियोरेटिकल वॉइड रेशियो? अब यहां पे आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। वो स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, सवाल भले ही आ गया है यहाँ पे बट स्टैंडर्ड रिजल्ट आई हैव नॉट डिस्कस, उसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो बता दो। अगर डायरेक्टली अभी बता दूंगा तो आप बोलोगे सर कैसे आया, हाउ इट कम्स इनटू द पिक्चर, इसकी थ्योरी अभी मैं आगे बताऊंगा आके। आंसर ही समझ रहा है तो आंसर तो 91% है, बट हाउ दिस 91% कम्स इनटू द पिक्चर दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल, उसकी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा अभी आगे, पर अभी के लिए 91% है। पर इसका लॉजिक हमें पता होना चाहिए, द लॉजिक बिहाइंड दिस मस्ट बी नोन टू अस इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम।
तो वो जो सवाल डाले हैं जिसने, उसको भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये सवाल कहाँ डालना है, वेयर दिस प्रॉब्लम इज टू बी एडेड, बट स्टिल वी कैन एनालाइज। चलो आगे बढ़ते हैं पोरोसिटी के अंदर। पीछे हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को एक्सप्रेस किया था वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के टर्म में। पोरोसिटी क्या होती है? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉइड रेशियो क्या था? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए मेरी वॉइड रेशियो की रेंज क्या थी? ग्रेटर देन जीरो थी। पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ज्यादा नहीं हो सकता, तो देखो रेंज क्या है, हमेशा 100% से कम। पीछे बताया सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हुआ वो सॉइल कहलाएगी नहीं, वो रॉक कहलाएगी। इट विल बी डम्ड एज रॉक। ये ऐसा है जिसमें सिर्फ सॉलिड मिलेगा आपको, हवा नहीं मिलेगी या पानी नहीं मिलेगा, यानी वॉइड नहीं मिलेंगे उसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोरोसिटी है सॉइल की वो हमेशा 100% से क्या होगी? कम होगी। फिर हम मैथमेटिकल रिलेशन निकाल सकते हैं पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के अंदर लिखे हुए, इसको डिराइव भी कर सकता हूं, पर डिराइव करने का कोई सेंस नहीं है। तो पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो अपॉन 1 + वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू पोरोसिटी अपॉन 1 - पोरोसिटी। ये बेसिक रिलेशनशिप है। अभी पीछे बताया कौन ज्यादा स्टेबल होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पीछे वेट के टर्म में बात कर रहे थे, वॉल्यूम के टर्म में बात कर लूंगा मैं। आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल विच इज मोर स्टेबल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मोर स्टेबल। वाई? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बदलने से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में चेंज नहीं आएगा, पर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में चेंज जरूर आ जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा है? इसका मतलब थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस किसकी ज्यादा है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की ज्यादा है, यानी वॉइड रेशियो की ज्यादा है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? वॉइड रेशियो इज मोर देन पोरोसिटी, वॉइड रेशियो पोरोसिटी से ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉइल से कम रहेगी। तो अगर आपने वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज नहीं किया है तो आपको वॉइड रेशियो हमेशा पोरोसिटी से ज्यादा मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है, किसने बोली है ये? देवरूप। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपकी स्टेटमेंट सही है। अच्छा, किसकी पोरोसिटी ज्यादा मिलेगी आपको, फाइन ग्रेन सॉइल की, कोर्स ग्रेन सॉइल की? हुज पोरोसिटी इज मोर? फाइन ग्रेन सॉइल की पीछे भी डिस्कस किया था हमने, दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर है? चलो देखो प्रॉब्लम, देखो इसके ऊपर, चेक द प्रॉब्लम ऑन दिस। द वैल्यू ऑफ द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल ग्रेन इज इक्वल टू ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स इज इक्वल टू। पोरोसिटी पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन, सॉइल ग्रेन का मतलब सॉलिड। अब ध्यान रखना इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, सॉइल ग्रेन का मतलब सॉलिड होता है, ग्रेन मतलब पार्टिकल्स, यानी सॉलिड की बात कर रहा है। इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 2 गुना है वॉल्यूम ऑफ वॉइड का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इट इज 2 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो 3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो पोरोसिटी क्या है हमारी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू 3 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100। तो कितनी वैल्यू आ गई निकल के? 1/3 इंटू 100, सो 33%। क्लियर है? चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। टू सैंपल्स ए एंड बी हैव पोरोसिटी ईटा ए एंड ईटा बी 40% 60% रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज दी रेशियो ऑफ द वॉइड रेशियोज? व्हाट द रेशियो ऑफ द वॉइड रेशियो? अच्छा, रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो पूछ रहा है, निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप है हमारे पास। ले ली, ई इज इक्वल टू ईटा अपॉन 1 - ईटा, निकाल लो। सो ई ए अपॉन ई बी
सो ईटा ए अपॉन वन माइनस ईटा ए दिस इज इक्वल टू ईटा बी अपॉन वन माइनस ईटा बी, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। तो 40% अपॉन 60% नीचे आ जाएगा, 60% अपॉन 40%, कितनी वैल्यू आ रही है? पोरोसिटी की साइड एक बार ये सॉल्यूशन निकाल ले। सो कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 2/3 2/3, सो 4:9, 4:9। पोरोसिटी वाली स्लाइड एक बार देख लो। और चले चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ईटा वाला कौन सा ईटा वाला दोबारा बताना। ईटा वाला कौन सा पूछ रहे हो? बाकी लोग क्वेश्चन करना, उसका ईटा वाला कुछ बचा हुआ है अभी भी। लास्ट क्वेश्चन, भैया लास्ट क्वेश्चन में तो रेशियो डाली हुई है ना, ये वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में रिलेशनशिप पता था, तो ये रिलेशनशिप ही डाल दी उसमें। ईए क्या होगा, ईटा ए अपॉन वन माइनस ईटा ए, ईटा ए दे रखा है आपको 40%, तो फैक्टर में डालोगे तो 40 अपॉन 100 माइनस 40, तो 60% हो जाएगा। ईटा बी की वैल्यू दे रखी है आपको, तो इसकी भी रेशियो निकाल ली, ईटा बी अपॉन वन माइनस ईटा बी। तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखोगे 100 आ जाएगा बस, यहाँ पे फैक्टर के टर्म में लिखोगे तो 1 निकल के आएगी, जैसे मर्जी सॉल्व करो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। वॉट वुड बी वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन अ सैचुरेटेड कॉलम विद अ पोरोसिटी ऑफ 0.35 विद क्रॉस सेक्शन एरिया 1 m³ एंड डेप्थ, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 m² होगा, क्यूब नहीं होगा, एंड डेप्थ ऑफ 3 m। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा एरिया इंटू डेप्थ, तो 1 × 3, 3 m³। फिर क्या पूछा हुआ है? पोरोसिटी, पोरोसिटी है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड है 0.35 × 3, जो भी निकल के आ रहा है यहाँ से आपका। फिर बोल रहा है कितना पानी स्टोर हो सकता है, इतना ही पानी स्टोर हो सकता है। सो हाउ मच वाटर कैन बी स्टोर्ड, दिस मच ऑफ द वाटर कैन बी स्टोर्ड, सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है। कितनी आ रही वैल्यू? 35 35 70, 1.05, 1.05 m³, सो 1.05 m³। क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है। सो यू कैन सी दैट एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग आस्क्ड इन दिस, इतने सारे सवाल पूछे हुए हैं एक छोटे से कंसेप्ट के ऊपर। The porosity of the soil sample having its void ratio equal to unity will be, तो porosity पूछ रहा है, void ratio दी हुई है आपको, void ratio की value unity अभी किया, porosity is equal to e upon 1 plus e, so 1 upon 1 plus 1 कितनी आ रही है value? 0.5, यानी कितना हो गया? 50%, so it comes out to be 50% b, तो direct सवाल है, बिल्कुल सही बात है विशाल कुमार गुप्ता, absolutely correct। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज डिग्री ऑफ सेचुरेशन, पहली थी वाटर कंटेंट, दूसरी थी वॉइड रेशियो, तीसरी है पोरोसिटी, नेक्स्ट आई डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमें ये बताता है कितने परसेंट वॉइड पानी से भरे हुए हैं, परसेंटेज ऑफ द वॉइड्स व्हिच आर फिल्ड विद द वाटर, सो इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट,
ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड. सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइड इज इक्वल टू नोन एज व्हाट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन. वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ध्यान रखना ही है. ईटीए ऑलवेज स्मॉल रहती है ई से, हाँ वॉइड रेशियो से हमेशा छोटी रहती है, वॉइड रेशियो हमेशा बड़ी रहती है पोरोसिटी से, या ईटा जिसको आप बोल रहे हो, पोरोसिटी हमेशा छोटी रहती है. सो डिग्री ऑफ सेचुरेशन रेंज कितनी हो सकती है, पानी जीरो भी हो सकता है सॉइल के अंदर, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो. वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा पानी कहाँ आता है, वॉइड के अंदर ही आ सकता है. इसका मतलब 100% तक भी जा सकता है. इसका मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन वेरी करती है 0 से लेकर 100% के बीच में. अब जैसी डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, उसके बिहाफ पे हमने सॉइल को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है. इट इज बीन डिफाइंड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक डिग्री ऑफ सेचुरेशन. जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन है हमारी 0 से लेकर 0.25 के बीच में, इट विल बी टर्म्ड एज ह्यूमिड. 0.25 से लेकर 0.5 के बीच में, इट विल बी टर्म्ड एज डैम्प. 0.5 से लेकर 0.75 के बीच में, इट विल बी टर्म्ड एज मॉइस्ट. 0.75 से लेकर 1 के बीच में, इट विल बी टर्म्ड एज वेट. तो सॉइल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन. तो ये क्लासिफिकेशन भी आ गई. अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 से छोटी है तो सॉइल को हम बोलेंगे पार्शली सेचुरेटेड. पर जहां डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 हुई तो सॉइल मेरी क्या कहलाएगी, सेचुरेटेड या फुल्ली सेचुरेटेड, कुछ भी बोल सकते हो. सर ये लेक्चर डेली चलेंगे क्या भाई, इंजीनियर हो तुम खुद बताओ. मैं अभी बस डिग्री ऑफ सेचुरेशन या मान लो दो प्रॉपर्टी और करा के बंद कर दूंगा क्या, मतलब मैंने ये लेक्चर चालू किया, 2 घंटे पढ़ाया, 2 घंटे में मैंने 5 प्रॉपर्टी कराई और फिर मैंने बंद कर दिया. क्या ये वेरिएशन लीनियर होगा? बिल्कुल लीनियर होगा, क्योंकि वेट और वॉल्यूम में तो रिलेशनशिप है. या डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है. वाटर कंटेंट क्या है, वेट ऑफ वाटर है. डेंसिटी तो कांस्टेंट है पानी की, डेंसिटी इज कांस्टेंट. मतलब क्यों ऐसे फालतू की चीजें पूछते हो? क्या सर लेक्चर रोज चलेगा क्या? मैं भैया एक दिन का तो लेक्चर लेके बंद करूंगा ही नहीं, चालू किया तो खत्म तो करूंगा ही ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज द रेशियो बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर. द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज द रेशियो बिटवीन, अभी पीछे कराया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. ये रहा पोर, मतलब वॉइड होता है. सॉइल ग्रेन मतलब क्या होती है, सॉइल ग्रेन मतलब सॉलिड होता है. रेंज है 0 से लेकर 1. वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर भी हो सकता है, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन नॉट बी मोर देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो रेंज निकल के आ गई है. तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100. तो 0 से लेकर 100 के बीच में वेरी करेगी डिग्री ऑफ सेचुरेशन. इट विल वेरी बिटवीन 0 to 100%. चलिए आगे बढ़ते हैं. द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल सैंपल आर 0.7 एंड 40% रिस्पेक्टिवली. इन 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉइल द वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा का वॉल्यूम पूछ लिया इसने, ठीक है निकाल सकते हैं. आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे रखा है, पोरोसिटी दे रखी है. पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल. कितनी है पोरोसिटी, पोरोसिटी है मेरी 0.7, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन 100. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हो गया, 70 मीटर क्यूब. अब आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन दे रखा है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100. तो 40% वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू 100 टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ये 70 हुआ. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना हुआ, 28 मीटर क्यूब. सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हुआ, 28 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 28 मीटर क्यूब है. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर. तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड 70, वॉल्यूम ऑफ वाटर 28 प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर. जरा बताना वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी आ रही है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर कमिंग आउट, सिंप्लीफाई करके बताइए.
42, तो 42 मीटर क्यूब। क्लियर सवाल? चलो नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज एयर कंटेंट। अब ये क्या बता रहा है? एयर कंटेंट नाम में लिखा हुआ है। जो काम डिग्री ऑफ सेचुरेशन करता है वही काम एयर कंटेंट भी करता है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये बताता है वॉइड का कितना परसेंटेज पानी से भरा हुआ है। एयर कंटेंट क्या बताता है? वॉइड का कितना परसेंटेज एयर से भरा हुआ है। इट मीन सिग्निफिकेंस ऑफ डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट इज वन एंड द सेम। अगर मुझे डिग्री ऑफ सेचुरेशन पता है तो यानी एयर कंटेंट पता है, अगर मुझे एयर कंटेंट पता है तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन पता है। दोनों बातें पता है हमें, क्यों? क्योंकि वॉइड में या तो हवा होगी या पानी होगा। अगर मैं ये बोलूं कि वॉइड का 20% पानी से भरा हुआ है तो ऑब्वियसली 80% किससे भरा हुआ है? एयर से भरा हुआ है। अगर मैं ये बोलूं वॉइड का 60% एयर से भरा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है 40% किससे भरा हुआ है? 40% भरा हुआ है हमारा पानी से। इट मीन्स इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसका मतलब दोनों का समेशन क्या निकल के आएगा? एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन, फ्रैक्शन के टर्म में, परसेंटेज के टर्म में 100। क्लियर है? एयर कंटेंट की रेंज भी क्या होगी? 0 से लेकर 100 के बीच में। तो रेंज आपको ध्यान रखनी है, टेक प्रॉपर केयर ऑफ रेंज। रेंज के ऊपर भी सवाल आते हैं, और सवाल नहीं भी है, हमें ये जानकारी तो होनी चाहिए कि एक पैरामीटर की रेंज कितनी हो सकती है अपनी समझ के लिए। क्लियर? चले आगे। शैल बी कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, यूज करके बताओ। सॉइल हैज 30% एयर वॉइड्स, इट हैज अ पोरोसिटी ऑफ 0.5, द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल शुड बी। अच्छा, दोनों में रिलेशनशिप भी बता रखी है पीछे। पीछे परसेंटेज एयर वॉइड छूटा हुआ है, परसेंटेज एयर वॉइड कर सकते हो, यू कैन डू द परसेंटेज एयर वॉइड्स। एयर कंटेंट में हमने वॉल्यूम ऑफ एयर को रिपोर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। परसेंटेज एयर वॉइड्स में हम वॉल्यूम को एयर रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो चीज हमने पोरोसिटी के अंदर करी थी वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। पोरोसिटी में हमने वॉल्यूम ऑफ वॉइड को रिपोर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बट एयर कंटेंट में हम वॉल्यूम ऑफ एयर को रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इन केस ऑफ एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एयर कंटेंट, और यू कैन से परसेंटेज एयर वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्लियर है? दोनों में फिर से मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाल सकते हो। परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। इसको मैं डिराइव भी कर सकता हूँ, आई कैन डिराइव दिस, बट फिर से डेरिवेशन में टाइम वेस्ट होगा और हमारा एम भी अभी वो नहीं है। हमारा एम मैराथन सेशन में रिविजन करना है, क्योंकि आपके अभी खूब सारे AEJEE के एग्जाम आने वाले हैं। क्लियर है? सो परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, और मेरे ख्याल से सवाल में उसी की एप्लीकेशन है। क्लियर पूरी कहानी? यूज करो। सॉइल है 30% एयर वॉइड्स, एयर वॉइड्स दे रखे हैं, पोरोसिटी दे रखी है, एयर कंटेंट पूछा हुआ है, निकाल लो। सिंप्लीफाई करके बताइए कितनी आ रही है रिजल्ट। सो परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू व्हाट? यही रिलेशनशिप यूज करनी है, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी, एयर कंटेंट इनटू पोरोसिटी। सो 0.3 एयर कंटेंट इनटू 0.4, सो 0.3 डिवाइड बाय 0.4 कितनी वैल्यू आ रही है?
0.75, सो आंसर कम्स आउट टू बी 0.75, 3/4 0.75 ही तो होता है, 0.12 कैसे आ रहा है बेटा आपका, हाउ यू आर गेटिंग 0.12? चले चलो चलो, टाइम भी हो गया अब, सफिशियंट है आज के लिए, बाकी कल करते हैं, रिजल्ट डिस्कस टुमारो। कल मैं 4 घंटे की क्लास ले लूंगा, टुमारो आई विल टेक 4 आवर क्लास, और कल तसल्ली से बैठ के पढ़ लेना तो कवरेज कंपैरेटिव भी ज्यादा मिल जाएगी। बहुत लंबा टॉपिक है सॉइल, अगर इसी तरीके से करता रहा तो 10 दिन लग जाएंगे ये कंप्लीट कराने के अंदर। सर मेरी जी जम्मू में सिलेक्शन हो गई है, ज्वाइन कर लूं? बेटा डिपेंड करता है और कोई ऑप्शन है या नहीं आपके पास, इफ यू हैव एनी अदर ऑप्शन तब तो मैं कंपेयर करके बता दूंगा, पर कोई और ऑप्शन नहीं है फिर तो बढ़िया ही है, कुछ नई से तो मिल ही रहा है ना आपको। कैन वी से एज पर दी सिग्निफिकेंस परसेंटेज एयर वॉइड इज मोर देन एयर कंटेंट? नो, नहीं बोल सकते। एज पर द सिग्निफिकेंस परसेंटेज एयर वॉइड, सिग्निफिकेंस बोल रहे हो कि वैल्यू बोल रहे हो? जब आपने ग्रेटर का साइन लगाया वो सिग्निफिकेंस के लिए लगाया है, वैल्यू के लिए लगाया है? बेटा आपकी ऐप के ऊपर ही पड़ा हुआ है, देख लो स्टार्टिंग टाइम, ऐसे कैसे बच्चों वाली चीजें पूछते हो? टॉपिक में से तो कुछ पूछना नहीं है, क्लास का टाइम कितने बजे एक बार देखो ना, आपके सब कुछ लिखा आता है। अभी जब आपने क्लास स्टार्ट करी होगी ना उसमें लिखा हुआ होगा कितने बजे स्टार्ट हुई है, तो टाइमर देख लो, टाइमर बना हुआ आता है वहां पे, कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुए हुए। सिग्निफिकेंस पूछ रहे हो, दोनों की सिग्निफिकेंस बराबर है, क्यों? अगर आपने वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज किया तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी चेंज होगी और वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी चेंज होगी, तो दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है, सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ इज सेम, तो दोनों की सिग्निफिकेंस सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों की सिग्निफिकेंस के अंदर। क्लियर है? तो दोनों ही बेकार चीजें हैं। लास्ट क्वेश्चन में एयर कंटेंट निकालना है या परसेंटेज? लास्ट क्वेश्चन में एयर कंटेंट, बेटा एयर कंटेंट पूछा है ना इसमें, एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल शेल बी, क्लियर है? टेलीग्राम लिंक यूट्यूब पे शेयर नहीं होता तो यहां पर मत मांगा करो, यूट्यूब पे कोई लिंक शेयर नहीं कर सकते, कैसे शेयर करूंगा मैं यहां पे, हाउ विल आई शेयर इट? आपने मांग तो लिया, मैं कैसे दे दूं आपको टेलीग्राम लिंक बताओ? चलिए थैंक यू एवरीवन, बाकी कल करते हैं, टुमारो आई टेक 4 आवर क्लास, कल मैं 4 घंटे की क्लास लूंगा, अगर तसल्ली से बैठे रहे तो 4 घंटे भी खींच लूंगा, नहीं तो ऐसे ही 2 घंटे में बंद कर दूंगा। चलिए थैंक यू एवरीवन।